सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करना चाहूंगा और उसके पश्चात मैं अपने पूज्य बाबूजी जो प्रभात प्रकाशन के संस्थापक रहे श्री श्याम सुंदर जी, उनको नमन करना चाहता हूँ कि जो बीज उन्होंने लगाया था आज वो एक बड़े वृक्ष के रूप में और आप सभी लोगों के साहित्य जन सुधी जन के सहयोग और आशीर्वाद से आज वो यहाँ तक पहुंचा है। और इसके साथ ही मैं कीर्ति काले जी जो देश की वरिष्ठ कवि हैं और व्यंग्यकार हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे का पूरे कार्यक्रम का संचालन वो स्वयं शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और इस पटल पर उपस्थित सभी गुणी जनों को, सभी अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों को, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को मैं डॉक्टर कीर्ति काले हार्दिक प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। प्रभात प्रकाशन समूह के द्वारा आयोजित इमली का चटकारा श्रीमती योजना जैन साहा के द्वारा लिखित इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी भी पुस्तक का लोकार्पण श्रोताओं उसी तरह से होता है जिस तरह से कोई माँ सबसे पहली बार अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती है। जब वो सबसे पहली बार वो छोटा सा बच्चा पूरे संसार के संपर्क में आता है और उस समय एक माँ के हृदय में जो उथल पुथल होती है, मुझे लगता है वही उथल पुथल, वही शंका, वही आशंका, वही वही प्यार और वही उत्साह योजना जी के मन में भी होगा और आदरणीय पवन जैन जी के मन में भी होगा और हम सबके मन में तो है ही। आज इमली का चटकारा एक कहानी संग्रह है, उसका लोकार्पण है और आज इस समारोह में उपस्थित हैं, हम सभी का सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार और उसके पहले वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं। हमारे बीच में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं जाने माने कवि, हास्य कवि और पूरे देश और दुनिया की होठों पर मुस्कान लाने का काम करने वाले परम आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। हमारे बीच में इतना बड़ा और भरा पूरा मंच है कि सबका नाम लेते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है। श्री इंद्रमणि पांडे जी उपस्थित हैं जो कि भारत के राजदूत रहे हैं। श्री तेजेंद्र खन्ना जी हैं जो लंदन से हैं और जो पुरवाई नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, बहुत ही सुंदर पत्रिका निकालते हैं और जाने माने कहानीकार हैं, बहुत सारी कहानियों की पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री अमरेंद्र खटुआ जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि भारतीय विदेश सेवा में हैं और बहुत हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज इस समारोह में वे यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राजशेखर व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि दूरदर्शन महानिदेशालय में अपर महानिदेशक हैं और साथ में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं। इनके परम पूज्य पिताश्री भी बहुत बड़े साहित्यकार और कवि थे। श्री डॉक्टर हरीश नवल जी इस समारोह में उपस्थित हैं जो युवा ज्ञानपीठ व्यंग का, जिन्हें युवा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हो चुका है और उसके साथ में अनेक सारे कार्य और अनेक सारे सम्मान हैं इनके खाते में दर्ज हैं। वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, साहित्यकार हैं और सफल अध्यापक भी हैं। सुश्री शिखा वार्ष्णेय जी यहाँ उपस्थित हैं जो लेखिका हैं और ब्लॉगर हैं। हमारे बीच में इतना भरा पूरा मंच है, मैं सभी का अपनी ओर से, प्रभात प्रकाशन की ओर से और योजना जैन साहा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं निवेदन करती हूँ कि एक मिनट का जो वीडियो है योजना जी का, वो यहाँ पर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो दिखाएं और इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ इसी तरह। होठों की हंसी, आंखों की नमी लिखती हूँ मैं, जिंदगी हूँ जिंदगी लिखती हूँ। दुनिया की आधी आबादी की इमली जैसी खट्टी मीठी जिंदगी की मिठास और खटास को संजोए ये किताब इमली का चटकारा लेकर आए हैं प्रभात प्रकाशन। इस पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर योजना शाह जैन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और लेखिका होने के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमन भी है। इस किताब की हर कहानी आपके दिल को ना छू ले तो कहिएगा। तो जिंदगी के इन चटकारों का स्वाद लेने के लिए जल्दी से ऑर्डर कीजिए और पढ़िए इमली का चटकारा। डॉक्टर योजना शाह जैन डॉक्टरेट है फार्माकोलॉजिस्ट में और MBA है। ये हेल्थ केयर प्रौद्योगिकी कंपनी हेल्थ प्रेक्ष की संस्थापक और CEO है।
पूर्व में वरिष्ठ पदों पर कई फार्मास्यूटिकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ये कार्यरत रह चुकी हैं। टेन न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित योजना कैंडिडेट टॉक शो की संयोजिका और संचालिका रही हैं। बहुत अच्छा शो इन्होंने आयोजित किया था और ये लिटरेरी इंटेलेक्ट एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिपि की अध्यक्ष है जर्मनी की ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अध्यक्ष है जर्मनी में ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान की और जापान हिंदी कल्चर सेंटर की ऑनरेरी सदस्य हैं। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। एक काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है कागज पर फुदकती हुई गैलरियां। और मेरा परिचय योजना जैन साहब से इसी कागज पर फुदकती हुई गैलरियों के लोकार्पण समारोह में ही हुआ था और इसके साथ में अन्य कई सारे साझा संकलनों में भी इनकी कविताएं और प्रकाशित हो चुकी है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं और अब इस इमली का चटकारा के प्रकाशन के बाद कई सारे सम्मानों के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ योजना को कि वे इन इमली का चटकारा के लिए भी इन्हें बहुत सारा सम्मान और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हों। अब योजना को ही मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने बारे में और साथ में अपनी पुस्तक की रचना प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डाले। योजना, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति दीदी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, एम्बेसडर इंद्रमणि सर, नवल जी, तेजेंद्र जी, अमरेंद्र जी, व्यास जी, उर्वशी जी, शिखा जी, हमारी प्यारी कीर्ति दीदी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे प्रकाशक महोदय पवन अग्रवाल जी, आप सबका इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आज सम्मिलित होने के लिए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही सभी उपस्थित गणमान्य प्रबुद्ध जनों का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जूम, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपना अमूल्य समय देने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं भाव विभोर हूँ, आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड। मेरी स्वर्गीय नानी जिनको ये किताब समर्पित है और माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर की असीम कृपा है और परिवार का प्यार है कि मेरे इस पहले कहानी संग्रह में ही मुझे देश विदेश के महान विद्वत जनों का आशीर्वाद आज मिल रहा है। मैं कहूंगी कि आज का दिन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खास है क्योंकि पहले तो प्रभात प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस से छप पाना अपने आप में ही एक गौरवशाली क्षण है और उस पर आप जैसे महान विभूतियों का सानिध्य पाना एक सपने के सच होने से कुछ कम नहीं। इस मौके पर मैं अपने जीवन साथी मिस प्रफुल जैन और अपने बच्चों को भी बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो भी समय में से थोड़ा सा समय चुरा कर और उनके अनकंडीशनल प्यार और प्रोत्साहन को पाकर ही कर पा रही हूँ। सो लोड्स ऑफ लव प्रफुल, परी एंड मीठी। साथ ही इस कहे के शिल्प को और पैना करने के लिए, इसे सवारी का लिखने के लिए मैं डॉक्टर हरीश नवल जी, कीर्ति दीदी और शिखा को एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपका रिव्यू और फीडबैक था जिसकी वजह से मुझे न सिर्फ बल मिला बल्कि इन कहानियों की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ गई। आज अगर पीछे पलट के देखती हूँ और उन कहानियां पढ़ती हूँ फिर से तो कई बार लगता है कि क्या सच में मैंने ही लिखी है और फूट पड़ा था और फिर जैसे एक पेंटर की कूची चलती है रंग चल पड़ी थी। तो बस ऐसे ही जिंदगी के कैनवस पे कुछ लकीरें उकेरी और अलग अलग रंग और कलेवर के किरदारों की 12 कहानियां आज इमली का चटकारा बनकर किताब की देह धारण किए हुए हमारे हाथों में है। सो कहानियों के इस गुलदस्ते में आपको कुछ उदास फूल भी मिलेंगे तो कुछ चटकती हुई कलियां भी, जैसा कि मैंने लिखा है कि होंठों की हंसी आंखों की नमी लिखती हूँ, होंठों की हंसी आंखों की नमी लिखती हूँ, मैं जिंदगी हूँ, जिंदगी लिखती हूँ, मैं जिंदगी हूँ, जिंदगी लिखती हूँ। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, ये मेरी कविता का एक हिस्सा है कि टूटे बर्तन टपकती छत फिर भी खुश है वो,
टूटे बर्तन टपकती छत फिर भी खुश है वो, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीदें जिंदा हैं। सब जल जाए कट जाए मर जाए पर उम्मीद की मौत आखिरी मौत है, पर उम्मीद की मौत आखिरी मौत है। मैं ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई और, मैं ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई और, इंसान हूँ बस इसलिए उम्मीद हर सू लिखती हूँ। हिंदुस्तान की बेटी हूँ हिंदी उर्दू लिखती हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ हिंदी उर्दू लिखती हूँ। जी हाँ, इस किताब में शामिल कहानियाँ भी हमारे आसपास की दुनिया की ही हैं, हमारी जिंदगियों की ही हैं। जब अपनी रिश्तेदारी में तीसरी बेटी होने पर किलसते हुए परिवार को देखा तो तीसरी बेटी लिखी गई। पुराने शहर की गलियों में एक शोरूम में बैठी एक मायूस सेल्स गर्ल को देखा और देखा कि उस बाजार में भौतिक नागरिक सुविधाओं की क्या दुर्दशा है। तब लेडीज बाथरूम कहानी का जन्म हुआ। कॉरपोरेट जगत से आती हूँ, कई मर्तबा देखा कि या तो फीमेल्स खुद के अपने इतने तामझाम, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी लिमिटेशंस के कारण या तो कैरियर छोड़ देती हैं या आगे नहीं बढ़ पाती। कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, पर जो बढ़ती हैं कुछ करके दिखाती हैं उनको भी कैसे नीचा दिखाया जाता है, दिखाना कितना आसान होता है और उनके जेन्युइन टैलेंट को दागदार करना कितना आसान होता है। जब असल जिंदगी में ऐसी कहानियां मेरे सामने से गुजरी तब कॉरपोरेट वुमेन लिखी गई। एक बेलारूसी लड़की से मिली यहाँ पे आके, जिसने अपने माता पिता को चेर्नोबिल हादसे की वजह से खोया था और उसके पिता उस समय चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही काम करते थे। तो दिल में एक टीस उठी और फिर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद येलेना की कहानी लिखी गई। तो कुल मिलाकर हर कहानी में कहीं ना कहीं कोई सामाजिक मुद्दा है, विसंगति है। मुद्दे वही हैं, बस थोड़ा सा अलग ढंग से और आसान तरीके से अपने लहजे में कहने की मैंने कोशिश की है। छापने के लिए इस मकसद से कभी नहीं लिखा था। बेस्ट सेलर बनना या कमर्शियल बेनिफिट मेरे मकसद में दूर दूर तक नहीं था। इसलिए जो आप इस किताब में पढ़ेंगे वो विशुद्ध कोरे जज्बात हैं। बस इतना चाहती हूँ कि ईश्वर ने जब मुझसे लिखवाया है और मेरी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी के अनकहे दर्द को कहने की ताकत दी है तो वो पढ़ा जाए, समझा जाए और अगर कुछ लोगों की सोच भी बदल सके या समाज में थोड़ा सा भी रेशा भर भी चेतना कुछ परिवर्तन मेरे लेखन से आ सके तो यही इस किताब की कामयाबी होगी। अंत में बस यही कहूंगी कि लिखना सीख रही हूँ, आप जैसे लोगों का साथ है तो आगे और बेहतर लिखने की कोशिश करती रहूंगी। अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखें। बहुत उत्सुक हूँ सुनने के लिए कि आज क्या सुनने को मिलने वाला है आप लोगों से, कि किताब कैसी लगी और थोड़ी सी डांट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी सीख। आगे चलते जाना है, सफर लंबा है। आप सबका एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, उसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब योजना जी, आपने जो ये कहा कि मैं अभी सीख रही हूँ, बस यही एक एक वाक्य ये तय कर देता है कि आपका सफर कितना अच्छा, कितना सुगम, कितना कठिन और कितना सुहाना होने वाला है। सुगम और कठिन मैंने दोनों इसलिए कहा क्योंकि जिसमें सीखने की चाह और सीखने की इच्छा होती है वही सफर पर आगे भी बढ़ता है और जो सफर पर या यात्रा पर चलता है उसके मार्ग में कठिनाइयां भी आती हैं और सहूलियतें भी आती हैं। तो दोनों का सामना करते हुए आपकी ये कहानियां आगे बढ़ेंगी। आपकी कविताओं की पुस्तक तो पहले भी आ चुकी है जिसकी कविताएं मैंने स्वयं ने सुनी है और ये कहानियों की किताब भी आपकी बहुत लोकप्रिय होगी। हम सभी लोग आपको शुभकामनाएं देने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। आपने एक बात कही कि आपके पति प्रफुल्ल जी और बच्चे परी और मीठी, उनके सहयोग के बिना आपकी पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी, आपकी कहानियां नहीं लिखी जा सकती थी। तो हम महिलाओं के साथ यही बात होती है। उर्वशी जी भी यहाँ उपस्थित हो गई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम महिलाओं के लिए तो यही होता है कि जब तक परिवार साथ रहता है तब हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं हर क्षेत्र में। तो मुझे मेरी ही पंक्तियां याद आती हैं कि संतुलन इस तरह संभलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। तो इसी तरह से घर और बाहर का संतुलन बिठाते हुए ही कोई महिला बहुत आगे बढ़ पाती है।
आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा वीडियो और है हम सब के लिए। हम सब मैं पुनः सारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय निशंक जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, तेजेंद्र जी, इंद्रमणि पांडे जी और जितने भी अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं सबका बार बार स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हमारी टेक्निकल टीम से मैं चाहूंगी कि वो वीडियो यहाँ पर दिखाए। डॉक्टर कीर्ति काले जी और जो सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद यू वर्चुअली। आई वुड आल्सो लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू श्री अमरेंद्र खटवा जी, माय वेरी सीनियर कलीग and a very good friend for long time. Also, for me, it's great pleasure to be part of this function, Lokarpan of Imli Ka Chatkara. मैं डॉक्टर योजना जैन से मेरी पहली मुलाकात हुई थी एक कवि सम्मेलन के दौरान, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे कवि भाग ले रहे थे और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। तो उस कार्यक्रम की संचालन डॉक्टर योजना जैन कर रही थी और बीच बीच में कुछ अपनी कविताएं भी सुना रही थी। तो वहीं से मुझे उनके जो कविता लिखने की शैली है और जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बाद में उनके जो दूसरे पहलू हैं, जैसे कि उनका एक स्टार्टअप है हेल्थ पैक्स, जो डिजिटल हेल्थ के फील्ड में काफ़ी काम कर रहा है, तो उनके उस कैपेसिटी में मैंने उनको आमंत्रित किया था। हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे और उसमें हमारी ये सोच थी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या जो पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हम कर सकते हैं और वो क्या योगदान दे सकते हैं। तो उसमें डॉक्टर योजना जैन ने भी भाग लिया था और अपने विचार रखे थे कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो सहयोग दे सकता है। मैं खुद
मैं तो कविताएं लिखता हूँ, मैं कहानियां लिखता हूँ, मैं तो एक डिप्लोमेट हूँ, पर इमली का चटकारा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में विशेष विद्वता होती है जो इस तरह की कहानियां लिख पाते हैं, जो अपने विचार इस तरह से व्यक्त कर पाते हैं। मेरे सीनियर कलीग श्री अमरेंद्र खटुआ जी भी कविताएं लिखते हैं और कहानियां लिखते हैं, उनके बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो मुझे डॉक्टर योजना जैन जी आपका ये संग्रह पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। आपने खुद अपनी कहानियों का परिचय दिया और बताया कि किस तरह से आपने वो कहानियां लिखी और किस तरह के भाव आपने उसमें व्यक्त करने चाहे हैं। तो और बाकी जो महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो लोग उसके बारे में ज्यादा अच्छी चर्चा कर पाएंगे, जो आपकी लेखन शैली है, जो आपकी भाव व्यक्त करने की शैली है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एज ए रीडर, आपकी कहानियों का एक पाठक की हैसियत से मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रभावित हुआ मैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी कहानियाँ पूरी दुनिया में लोग पढ़ें। और हालांकि आपने कहा आप जो है बेस्ट सेलर नहीं बनना चाहती, उस कैटेगरी में अपने आप को देखने की आपको कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, पर मेरी उम्मीद यही है कि आपके जो भी ये किताब और भविष्य में भी जो किताबें आप प्रकाशित होंगी वो बेस्ट सेलर बनेंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके विचारों को जान सकें और आपकी सोच में सम्मिलित हो सकें। एक आपकी कहानी है हिमालय, उसका एक पार्ट है जो मैं पढ़ना चाहूँगा, जो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उससे। तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका, मैं हिमालय हूँ, असीम महान चिरंजीवी हिमालय, लाखों बरसों से यूं ही चिरस्थिर खड़ा हुआ, हजारों युग मेरे सामने शुरू होकर वक्त के कालखंड में समा गए, पर मैं यूं ही अडिग खड़ा रहा, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, बहुत गर्व है मुझे अपनी विशालता पर, देवता वास करते हैं मेरी छाती पर, मेरे बदन की कोशिकाएं बन फूटती हैं अखंड नदियां, मेरी आंखों से निकलते हैं हजारों हजार जल प्रभात, स्वच्छंद होकर बसते हैं विशाल जंगल मेरे भीतर, सफेद स्वच्छ धवल वर्फ आवरण है मेरा, कौन हिला पाया है मुझे, कौन हिलाएगा, मैं आरोहियों के लिए आमंत्रण हूं और भक्तों के लिए समर्पण, मैं रहस्य हूँ और मैं ही अंतिम शक्ति भी, मैं हिमालय हूँ। एक छोटा सा हिस्सा आपकी इस कहानी का, पर कितनी सुंदर रचना की है आपने, किस तरह से आपने, जिस तरह से हम हिमालय को देखते हैं, हमारे लिए वो सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि पूजनीय भी है, और आपने वो भाव किस तरह से व्यक्त किए हैं तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी कहानियों पर और आपकी ये जो कहानी का संग्रह है और आज का जो समारोह है लोकार्पण, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया इसमें। इसके पहले कि मैं अपना ये छोटे से स्पीच खत्म करूँ, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता था कि अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही उसमें हम लोग भी एक परमानेंट मिशन जो जिनेवा में है, हमारे तीन परमानेंट मिशन है, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट डिसआर्ममेंट एंड परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक साथ मिलकर एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें जो देश के जाने माने लेखक हैं या जो कवि हैं वो देश को 75वें साल पूरा होने पर किस तरह से देखते हैं, देश ने क्या प्रगति की है, कहाँ हम आगे बढ़ पाए हैं, कहाँ हमें और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा ऐसी योजना है कि हम 5 नवंबर को इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि उसमें जरूर भाग लें।
जिससे हमें आप देश के बारे में और आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है 75 वर्षों बाद उसके बारे में क्या सोचते हैं, न सिर्फ हमें जानने का मौका मिलेगा बल्कि जो लोग भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे, भारतीय समुदाय के लोग जो जिनेवा में हैं, पूरे स्विट्जरलैंड में हैं और भी यूरोप के दूसरे हिस्सों से, तो उन सबको आपको जानने और सुनने का मौका लगेगा। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर योजना जी, और जो सभी विशिष्ट अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब से मिल करके वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत खुशी हुई। खास करके मैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी का जिक्र करना चाहूँगा, पद्मश्री। मैंने आपको यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी हैं, ये पहली बार है कि मैं आपको इन पर्सन देख रहा हूँ इस वर्चुअल वर्ल्ड में। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। और मैं श्री पवन अग्रवाल जी, जो उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है प्रभात प्रकाशन का, उनको भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस पुस्तक को प्रकाशित किया और ये समारोह कर रहे हैं और इसमें मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय श्री इंद्रमणि पांडे जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित उद्बोधन आपने दिया। और योजना की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित या बनी हुई आपके द्वारा बनाई गई इस योजना का भी उद्घाटन आपने इस मंच से किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। योजना की ये कहानियां तो मैंने भी बहुत पढ़ी है, सारी कहानियां मैंने पढ़ी है पुस्तक लोकार्पण से पहले भी। और इसमें एक विशेष बात मुझे लगती है कि जो कहानी कहने और कहानी सुनने की जो एक उत्सुकता होती है, जो जिज्ञासा बनाई जाती है श्रोता और पाठक के हृदय में, वो पूरी पूरी तरह से योजना की इन कहानियों में है, जो कहानियों का सबसे गहरा और सबसे मूल तत्व है। तो योजना को मैं भी शुभकामनाएं देती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री तेजेंद्र शर्मा जी को। तेजेंद्र शर्मा जी लंदन में रहते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़े कहानीकार हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ। अभी अभी रिकवर इन्होंने किया है। बहुत सारी किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सारी कहानियां बहुत सारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। तो मैं इनका बहुत बड़ा सा बायोडाटा है, बहुत सारा इनकी उपलब्धियां तो इतनी सारी हैं कि अगर मैं सारा गिनाने लगूंगी तो ये पूरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इनकी जो कहानी है कब्र का मुनाफा, वो मुंबई विश्वविद्यालय की बीए के पाठ्यक्रम में शामिल है। और कहानी अभिशप्त नाम की कहानी है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के एमए के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है। और साथ में पासपोर्ट का रंग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है। कहानी कोख का किराया, देखिए नाम भी कितना ऐसा है जो हिला दे अंदर से, कोख का किराया, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो एक ऐसे कहानीकार जिनकी कहानियों की कई सारी किताबें तो प्रकाशित है ही, लेकिन साथ में इतने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के एमए के पाठ्यक्रम में और बीए के पाठ्यक्रम में जिनकी कहानियां पढ़ाई जाती है, एक ऐसे कहानीकार हमारे बीच में है श्री तेजेंद्र शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर दें हम लोगों। बात यह है कि योजना की किताब हम भारत से भारतीयतर लेखकों के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जब हम यूरोप में साहित्य की बात करते हैं हिंदी की, तो ब्रिटेन और डेनमार्क और नॉर्वे इनके लेखकों की बात होती थी। अब जर्मनी से हिंदी साहित्य का कहानी संग्रह आया है, तो जिसे तथाकथित प्रवासी साहित्य कहा जाता है, वो थोड़ा और उसको फैलाव मिला है, विस्तार मिला है। योजना कविताएं भी लिखती हैं और कहानियां भी, और मैं इनकी कहानियों से छपने से पहले भी गुजरा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आरोप प्रवासी कहानी पर लगाया जाता है कि
उसमें नॉस्टैल्जिया भाग जा रहा है। हमें थोड़ा समझना चाहिए कि जो लोग 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में प्रवासी बन के आए, उनके पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। भारत में जो कुछ होता था वो उसके एक महीने बाद लंदन तक खबर आती थी कि ये हुआ। आज भारत में जो होता है वो भारत के लोगों से पहले हमें पता लग जाता है। तो जब मैं अपनी माँ को फोन करके पूछता हूं कि आपके यहाँ बाढ़ आ गई है या आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कहती है हमें तो पता नहीं, हम तो ठीक ठाक बैठे। तो ये देखिए कि जो भारत में होता है वो विदेशों को पहले पता लग जाता है। तो इसलिए जब हम योजना के इस कहानी संग्रह पर निगाह डालते हैं तो नॉस्टैल्जिया जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। जो दुनिया जैसे योजना ने देखी है, जैसे उससे इंटरेक्ट किया है, वो उसी तरह से अपने पाठकों के सामने पेश भी करती है। वो उसकी कहानियों में मथुरा भी है, उसकी कहानियों में सुलभ शौचालय भी है, तो उसकी कहानियों में चेर्नोबिल का एटॉमिक रिएक्टर भी है। तो जाहिर है कि जहां से हम आए हैं वो तो हमारी कहानियों में होगा ही, मगर जो दुनिया हमने अपनाई है, क्या हम उन विषयों को हिंदी के पाठक को दे पा रहे हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम भारत से बाहर रहते हैं तो लेखक का एक फर्ज बन जाता है कि वो हिंदी साहित्य का जो एक विशाल सागर है उसे, उसमें अपनी आहुति क्या डालनी है। जो पहले से लिखा गया है अगर मैं उसी को दोबारा लिखता हूं तो मैं क्या नया लिखता हूं और क्या अच्छा लिखता हूं। तो योजना ने जब चेर्नोबिल रिएक्टर वाली बात अपनी कहानी में उठाई कि येलेना मां बनना चाहती है, तो इस विषय पे मैंने इससे पहले कोई कहानी हिंदी में नहीं पढ़ी थी। हो सकता है लिखी गई हो मगर मेरी नजरों से नहीं गुजरी। और मैं कहानियां खूब पढ़ता हूं क्योंकि कथा यूके के माध्यम से मुझे वैसे भी कथाकारों को पढ़ना होता है। और ये बहुत गर्व का विषय है कि आज मेरे भाई समान निशंक जी और हरीश नवल जी और हरदिल अजीज सुरेंद्र शर्मा जी और उनके अलावा इंद्रमणि पांडे जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें अभी हम सबके सामने कही, राजशेखर व्यास, अमरेंद्र बटुआ जी, उर्वशी अग्रवाल और हमारे प्रकाशक पवन अग्रवाल, इतना बड़ा पैनल किसी भी लेखक के पहले कहानी संग्रह के लिए अगर हो जाता है तो उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी है। तो मैं चाहूंगा कि योजना इस सब को सहज रूप से ले, दिमाग को खराब ना होने दे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी भी बच्चे को बोलना सीखने में 5 साल लगते हैं, बाकी की सारी जिंदगी लगती है इस बात में कि कब नहीं बोलना है। और यही बात लेखक में भी होती है। जब इंसान पहले कहानी संग्रह के साथ आता है तो बहुत उत्साह होता है, वो सब कुछ कह देना चाहता है, वो हर कहानी में हर चीज कह देना चाहता है, मगर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि जब हम समुद्र में गोता लगाते हैं तो पहले जो रत्न आते हैं वो साधारण रत्न होते हैं, जो खूबसूरत और महंगे रत्न है वो नीचे और गहराई में जाते हैं। हम सब लोग इसी तरह से जब पहले संग्रह के साथ आए थे यही उत्साह था, लेकिन उन दिनों सब आमने सामने खड़े होकर बातें करते थे, हमारे जमाने के आलोचक हमारे साथ खड़े होते थे। मैं काफी भाग्यशाली हूं इस मामले में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी लेखक की पहली कहानी संग्रह में 4 कहानियां अच्छी हैं तो वो लेखक सफल है। और इस टेस्ट पर योजना की किताब खरी उतरती है। इसमें 4 कहानियां कम से कम उल्लेखनीय है जिन्हें पढ़ा जाना जरूरी है, और उनमें येलेना मां बनना चाहती है, बाथरूम और इमली का चटखारा और आंदोलन। आंदोलन बहुत बड़ी खास कहानी है। तो जो सुलभ और दुर्लभ जो 2 शब्द हैं उनका बाथरूम में इस्तेमाल और
नारी की जो सहज समस्याएं हैं उनको किस तरह से वो चित्रित करती है उस कहानी में, बड़े बोल्ड ढंग से और बहुत सशक्त ढंग से। तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात जो है कि योजना की कहानियों में मुद्दे हैं मगर कहीं भी नारेबाजी नहीं, और ये इन कहानियों को विमर्श की कहानियों से अलग खड़ा करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो विमर्श है वो साहित्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम विमर्श के चक्कर में साहित्य की खूबसूरत बनावट और बारीकी को भूल जाते हैं। योजना ने अपने आप को नारेबाजी से बचाया है और एक बहुत खूबसूरत संकलन हमारे सामने पेश किया है। बहुत सारे लेखक लिखते हैं उनमें नारेबाजी अधिक होती है, आंदोलन अधिक होता है, और मुद्दे तो होते हैं लेकिन एक आंदोलन के रूप में होते हैं, एक नारेबाजी के रूप में होते हैं। ये कहानियां कहानियों की तरह से हैं जो कहीं भी जा सकती हैं, सुनी भी जा सकती हैं, पढ़ी भी जा सकती हैं। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने बड़ा सारगर्भित उद्बोधन दिया है जैसे कि अपेक्षा मुझे थी आपसे। बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अमरेंद्र खटुआ जी को कि वे आए और अपना उद्बोधन यहाँ पर प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री अमरेंद्र खटुआ जी पूर्व सचिव रहे हैं भारतीय विदेश मंत्रालय में, और इनकी 40 से अधिक पुस्तकें, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया और स्पेनिश, इन भाषाओं में इनके 40 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। तो एक साहित्य के क्षेत्र से अलग क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित होना और उनका अन्य भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय अमरेंद्र खटुआ जी को कि वे आए और अपना उद्बोधन यहाँ दें, इमली का चटकारा के लिए भी, प्रभात प्रकाशन के लिए भी और योजना के लिए भी। नमस्कार, आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, धन्यवाद श्रीमती काले, समस्त अतिथि को मेरा प्रणाम। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो लोकार्पण है बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं, मैं थोड़ा अंग्रेजी में जाकर बोलूंगा। योजना जी, शर्मा जी जो बोले गल्प में, आपका कहानी में नारेबाजी है, नारेबाजी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे काले जी बोले थे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहने दीजिए। बात है यही कहानी के माध्यम में आप पाठक के पास पहुंच रहे हैं, उनका हृदय छू रहे हैं, एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये प्रथम पुस्तक है, उसका लोकार्पण हो रहा है। हम सब, मैं 50 साल से लिख रहा हूँ, 4 भाषा में लिख रहा हूँ, प्रभात से मेरा एक कवि का खामोश हो जाना है, अपने भीतर का मेघदूत है। मैं क्या सोचता हूँ, आपके किताब में 3-4 स्पेशल चीजें हैं जो बहुत कम फर्स्ट बुक में है। एक चीज है, आप वुमेन के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है, उसको काफी अच्छा तरह आप स्टडी किए हैं, जैसे कैरियर वुमन कहानी। दूसरा है, सब कहानी लिखते हैं, मैं बाहर रह रहा हूँ, इतना साल हुआ बाहर रह रहा हूँ जैसे शर्मा जी हैं, तो बाहर का जो विषय वस्तु है मेरे कहानी आ जाए, लेट इट कम, बट ये किस तरह आप एक्सप्रेस कर रहे हैं पाठक के लिए, भारत में पाठक के लिए, वो आपका कहानी का सक्सेस रहेगा, कहानी का आत्मा रहेगा। जैसे आपका एलेना वांट्स टू बी अ मदर, कितना अच्छा कहानी है, ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी पढ़ेंगे, सबका हृदय का तंत्री में ये पहुंच जाएगा। इमली का चक्कर में 3-4 और जो चीजें है, एक है आप सोशल थीम लिए हैं, आयरनी लिए हैं, लोगों का साइकोलॉजी लिए हैं, लोगों का इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स लिए हैं, ये जो चारों चीजें लिए हैं इसको आप हर कहानी में लाए, एंड ईच स्टोरी बिकम्स पॉइग्नेंट बिकॉज ऑफ दैट, इट रिचेस अस बिकॉज ऑफ दैट। बट मेरा कंप्लेंट ये है कि कहानी को आप बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, बहुत छोटा लिखते हैं, वो बहुत लंबा हो सकता था, क्योंकि आप जो थीम में जा रहे हैं वो काफी लंबा हो सकता है,
इन फ्यूचर ये जो इमली का चक्कर है, बहुत इमली का चक्कर है, वे लव दैट एंड बिलीव मी लाइक लेडीज बाथरूम जैसे हुआ, कैरियर वुमन हुआ, ऑल ऑफ दी स्टोरीज आर टेरिफिक. इंद्रमणि पांडे जो बोल रहे थे, इज अ राइटर, राइटर डिड नॉट राइट, ही हैज द सेंटीमेंट्स, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन इनसाइड हिम, ही इज अ लिटरेरी मैन. तो व्हाट ही सेड, हिमालय में आप जो सब लिखे हैं, दे एक्सप्रेस मेनी थिंग्स. स्टोरी में तीन चीजें होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, नारेबाजी, फिलोसफी, व्हाट एवर पीपल टॉक अबाउट होना चाहिए, तीसरा उसका मैसेज होना चाहिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो कितना लोगों के पास पहुंच सकता है, किस तरह पहुंच सकता है, क्या डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है, क्या कैसे मैं उसको बिगिनिंग करता हूँ, एंड करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि थैंक यू पवन जी फॉर पब्लिशिंग दिस बुक. एंड मैं एक कलम लिखता हूँ, राष्ट्रभाषा का प्रसारण के लिए दूसरा भाषा का पढ़ो, इसका मैं एक रिव्यू अंग्रेजी में जल्दी लिखूंगा, आपको मैं भेज दूँ. I wish you all the best. Thank you, Kalish. और विदेश में रहने वालों के मनोभावों को भी, वहाँ की परिस्थितियों को भी अभिव्यक्त किया गया है. सामाजिक सरोकारों को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और ये कहानियाँ बहुत पठनीय है, रोचक है. आइए, मैं अब वो घड़ी आ चुकी है श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों और यहाँ पर उपस्थित सारे महानुभावों के लिए कि अब जिस पुस्तक की यहाँ चर्चा और परिचर्चा हो रही है वो अब लोक के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जाने वाली है, यानी उसके लोकार्पण की बेला आ चुकी है. तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो लोकार्पण का समारोह यहाँ पर संपन्न कराए और हमारे यहाँ जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं उनके पास में ये इमली का चटकारा प्रभात प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तक पहुँचाई गई है, तो वो ये पुस्तक लेकर स्क्रीन पर दिखाएं जिससे कि हम इसका लोकार्पण समारोह बड़ी भव्यता के साथ यहाँ संपन्न करा पाए. सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ, आदरणीय श्री निशंक जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय इंद्रमणि पांडे जी, श्री तेजेंद्र शर्मा जी, अमरेंद्र खटुआ जी, श्री राजशेखर व्यास जी, हरीश नवल जी, शिखा वार्ष्णेय जी और श्री पवन जैन जी और योजना जी और साथ में उर्वशी जी, सभी लोग अपने अपने पुस्तक अपने स्क्रीन पर दिखाएं. आपको बहुत बधाई योजना, बहुत सुंदर किताब, बहुत बहुत धन्यवाद. हाथों में किताब देखकर जो मन में भाव उठ रहे हैं उन्हें अभी व्यक्त करना मुश्किल है. बहुत सुंदर पुस्तक है और इसका कलेवर तो इतना अच्छा है और इमली का जो चित्र बना हुआ है उसी से एक खटास और एक मिठास बिल्कुल जो हमारी जिह्वा पर तैर जाती है और उसके पीछे जो एक मानवीय की आकृति है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कवर पेज बना हुआ है अपने आप में बहुत ही सांकेतिक है, क्योंकि ये स्त्री से जुड़ी हुई कहानियां अधिकांश रूप से इसमें है, तो इसमें जो एक बैकग्राउंड में एक स्त्री का चित्र बना हुआ है और एक अलग से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आकृति किस तरह की है. तो इतना अच्छा कलेवर बनाने के लिए मैं प्रभात प्रकाशन का भी मैं बहुत धन्यवाद और उन्हें अभिनंदन करती हूँ और इसका बैक कवर भी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं. अब हम लोग तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं इस पुस्तक का और योजना का कि ये कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हो और घर घर में. मैं यहाँ एक क्षण आपको रोकूंगा. जब आपने कवर पेज के बारे में बोला है तो मैं यह सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह आइडिया भी योजना जी का था. हमारे डिजाइनर्स ने इसको डिजाइन किया बट इसका पूरा आइडिया जो है वो योजना जी का था, जो कि उसको साकार रूप कर ला सकता आप लोगों के सामने. अब मैं आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय श्री डॉक्टर हरीश नवल जी को. डॉक्टर हरीश नवल जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है और बहुत पढ़ा है इस पुस्तक को. साथ में डॉक्टर हरीश नवल जी तो स्वयं में इतने बड़े साहित्यकार हैं, इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स भी लिखे हैं, उनकी पटकथाएं लिखी है सीरियल्स की और बागपत के खरबूजे के रूप के से इनका सफर प्रारंभ हुआ है
और साथ में पीली छत का काला निशान, दिल्ली चढ़ी, पहाड़, मादक पदार्थ, आधी छुट्टी की घुट्टी, रेतीले टीले का राजहंस, दीनानाथ के हाथ, कुछ व्यंग्य की कुछ व्यंग्यकारों की, वाया पेरिस आया गांधीवाद, वीरगढ़ के वीर, इतनी सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके संपादन में बहुत सारी पुस्तकें हैं और 82 पुस्तकों में सहयोगी रचनाकार हैं ये, और इतना लंबा इनका जो परिचय है, लेकिन उससे बड़ा इनका परिचय ये है कि ये हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और हर विषय पर बहुत देर तक बोल सकते हैं। मैं इनसे आग्रह करती हूँ कि वे आए और समय का ध्यान रखते हुए, मैं कह रही हूँ कि समय का ध्यान रखते हुए बहुत ही अपना सारगर्भित उद्बोधन यहाँ पर प्रस्तुत है, क्योंकि आपने पूरी पुस्तक पढ़ी है तो आप बहुत सारा बोलना चाहेंगे। नहीं, मैं बहुत सारा ही बोलना चाहूंगा, वो मेरे काम संचालन पर छोड़ दिया है, आप अच्छी तरह से बता रही बात सबको। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये योजना से कहूंगा कि कहानी को कहानी ही रहने दिया जाए, उसको उपन्यास ना बनाया जाए, उसकी विधा अलग है। जो कहानियां आपने लिखी है तो मेरे विचार से वो कहानियां ही होनी चाहिए, उसको कोई घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं, ना उसको लघु कथा बनाइए और ना ही उसको उपन्यास बनाइए। हर कहानी, पूरी की पूरी 12 कहानियां अपने आप में पूर्ण कहानियां हैं। तो ये पहले से मैं आश्वस्ति का स्वर देता हूँ आपको, क्योंकि आपकी कहानियां जो है वो विश्वास की गहराई मापती हुई कहानियां हैं। इन कहानियों में जो जो जिस नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है वो इन कहानियों में कुछ और ढंग से आया। प्राय होता है कि प्रवासी साहित्यकार वो भारत के प्रति जो नॉस्टैल्जिक व्यूज या उनके मन में आता है तो अपनी कहानियों में डालते हैं, लेकिन उसका परिवेश वहां का होता है जिन देशों में वो रह रहे हैं। किंतु यहाँ उल्टा है, यहाँ जर्मनी में लेखिका रह रही है किंतु कहानियों का जो परिवेश है किसी एक कहानी को छोड़ करके, और उसमें भी जर्मनी का नहीं है, जर्मनी का किसी में नहीं है और भारत का अधिकांश कहानियों में है। इसका मतलब ये कहानियां जो है ये कब से योजना जैन के मस्तिष्क में पल रही थी, समर रही थी, धीरे धीरे पल्लवित होकर बढ़ रही थी। जब भी कोई पहला संकलन आता है तो प्राय वो प्राय सबसे अच्छा होता है। हमारे बड़े बड़े लेखकों की जो पहली पुस्तकें हैं, चाहे वो चित्रलेखा हो, चाहे वो अमृता नागर जी की हो, चाहे कोई, आप देख लीजिएगा, प्राय वो ज्यादा अच्छी होती है। उसका कारण है कि वो बहुत सालों से उनके बीच में पलती और पुष्पित पल्लवित होती है। तो ये योजना जब से कभी लखीमपुर खेली गई होंगी, कभी गुड़गांव में जब रही होंगी जहां सब, तो वहां की चीजें उनका आत्मंथन करके जब सामने आई और ये अपनी परिपक्व अवस्था में उनको धीरे धीरे शिल्प से ढाल रही है, अपनी एक निजी शैली का विकास कर रही है, तो ये कहानियां भारत की है। वो इसे हम चाहते हैं कि अगली बार आप बर्लिन का भी बताएं कि वहां आप क्या सोचती हैं। ये कहानियां बहुत अच्छी हैं, योजना कविता भी बहुत अच्छी लिखती है, कहानी भी बहुत अच्छी लिखती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मुख्य रूप में यही कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी जो कहानियां बहुत रुचिकर हैं, इनमें पठनीयता का गुण समाहित है, और ये कह सकते हैं कि ये संवेदना जगाती कहानियां हैं, हर संवेदना जगा देती है, ये जीवन के यथार्थ से जुड़ी कहानियां हैं और छोटी छोटी बातों से बड़ी बनती हुई कहानियां हैं। आदमी सोचते हैं कि अरे मैंने भी ये देखा था लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं लिख पाया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये मुद्दा योजना जैन ने ले लिया है। तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि ऐसे महिलाओं के शौचालय होते हैं या नहीं होते, तो लोग कैसे फुर्तियां कसते हैं, पर जिस ढंग से इन्होंने देखा वो छोटी बातों को उस बड़ा बनाना अपने शैली से, शिल्प से, और ये नजर अंदाज कर दिए गए मुद्दों से निकली कहानी है आपकी ज्यादातर, और इनमें पटकथा का निरूपण है। इनको आप देख सकते हैं, जब कहानी पढ़ते हैं तो आपको ये सामने पिक्चराइज होती है आपके सामने, इनमें प्रतीकात्मकता है, बड़ी अच्छी बिंब योजना है, जन जागरण है, नारी विमर्श है, और समाज की लुकी हुई छिपाई, जो लुकी छिपी सच्चाइयां हैं उनको आपने उजागर किया है। चाहे वो पर्यावरण का बिगाड़ पर आपने कहानी लिखी, हिमालय वो सोचने को मजबूर करती है, तीसरी बेटी गर्ल चाइल्ड पर है, उसमें मैंने देखा कि बहुत तीखी व्यंजना है। तो कहानी तो आपने तो अपनी कहानी में विस्तार दे ही दिया, लेडीज बाथरूम वाली बात मैंने अभी आप रुकी थी। हाँ, बाकी मैं ये जरूर कहूंगा
कि इन कहानियों में कहीं भी कोई चटकारा नहीं है, अत्यंत संवेदनापूर्ण, बहुत गंभीर, मार्मिक, हृदय ग्राही कहानियां हैं। इसमें जो लोग इस उम्मीद से इसको पढ़ेंगे कि इसमें चटकारा आएगा, तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो चटकारा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो मेरी तो पोरें भीग गई। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इन कहानियों को पढ़ू और रोऊं। ये इसकी सार्थकता सिद्ध करती है। आंदोलन जैसी कहानी इसमें जिक्र हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में भीड़ है। आंदोलन का रूप भीड़, और भीड़ कैसे सपनों को तोड़ती है, उन सपनों को एक पूरा कर रहा है वो ठेली वाला, जिसकी भीड़ ने उसकी ठेली गिरा दी, फल बिखर गए, उनको बेचता तो अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक और पत्नी के लिए साड़ी लेकर जाता, उसे पूर्ण करता है। लेकिन इतना गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण आपने उसमें बुना है कि अपनी किडनी बेच करके वो अपना सपना पूरा करता है। तो आप जो मनोवैज्ञानिक क्षण देती हैं वो बहुत सटीक, बड़े ठीक वक्त पर देती हैं, और मैं और अधिक नहीं कहूंगा। इतना बड़ा पैनल है और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी मैं तेजेंद्र जी को पूर्ण स्वस्थ होने के लिए भी मैं इसी पैनल के सारे उनसे कहना चाहूंगा कि वो स्वस्थ हो, और प्रोखरियाल जी यहाँ पर हैं, हम सब लोग उनको सुनना भी चाहते हैं। पांडे जी ने कुछ बातें बड़ी बेबाक यहाँ पर की है, अच्छा लगा उनको भी सुनकर, बाकी भी हम सुनेंगे। तो वैलेंटाइन ऐसी कहानी जिसमें है कि जिसको पढ़कर के आदमी सोचता है कि ये कहानी लिखी कैसे। तो ये जो क्षणों को के सार्थक प्रयोग को जीती हुई कहानियां हैं, इसके लिए योजना को बधाई, और पवन भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक श्रेष्ठ लेखिका की श्रेष्ठ कहानियों का बड़ा अच्छा संकलन किया है, और बड़ा बड़ी प्रतीकात्मक इसका आवरण लिया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मैं सभी दोस्तों को प्रणाम करते हुए मैं बिल्कुल अपने स्थान पर बैठ रहा हूँ। आदरणीय कीर्ति जी, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश जी, और बहुत ही कहना चाहिए कि एक एक बिंदु जो डॉक्टर हरीश नवल जी ने इस कहानी संग्रह के बारे में कहा है, मुझे लगता है कि मेरे मन में भी वही बिंदु था कहने के लिए, वो सारे बिंदु थे। लेडीज बाथरूम कहानी में तो मुझे लगा कि जैसे मेरी ही कहानी उसमें चल रही है, और मुझे लगता है कि हर स्त्री की कहानी, हर कहानी के साथ में हर स्त्री की कहानी चल रही है, इसलिए ये कहानियां पढ़ने में इतनी अपनी सी लगती हैं। विश्वास को जगाती हुई कहानियां हैं, डॉक्टर हरीश ने कहा है कि विश्वास को जगाती हुई कहानियां हैं, और ये रुचिकर है और संवेदना जगाती हुई कहानियां हैं। और सबसे बड़ी बात आदरणीय नवल जी ने कही कि नजरअंदाज कर दिए गए मुद्दों पर लिखी गई कहानियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय हरीश नवल जी, आपकी वाणी सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं बढ़ती हूँ आगे इस कार्यक्रम के आगे, कि हमारे बीच में आदरणीय श्री राज शेखर व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमेशा व्यास पीठ से बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें सुनते ही चले जाए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए इतना अधिक ज्ञान है, और उस ज्ञान को का प्रवाह ये रोक नहीं पाते हैं। हमेशा श्रोता को ये लगता है कि इनकी वाणी में बहते चले जाए। और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, साहित्यकार सम्मान मिल चुका है, और AIBD मलेशिया द्वारा मैन ऑफ द ईयर, और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्हें फेलोशिप प्राप्त हो चुकी है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री राजशेखर व्यास जी को उद्बोधन। मैं अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, खासतौर पर सुरेंद्र भैया को और हरीश नवल जी को, परम प्रिय निशंक जी यहाँ है, तेजेंद्र जैसे बड़े भारी कलाकार यहाँ मौजूद है, और डॉक्टर इंद्रमणि और तमाम बड़े लोगों को नमस्कार निवेदित करता हूँ। सबके विचार बड़े गौर से और बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, और सबसे पहले योजना जी को बधाई दूंगा और पवन जी को बधाई दूंगा, प्रभात प्रकाशन को, कि एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया। सचमुच जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, आमतौर पर मैं नए कथाकारों को पढ़ता नहीं, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि मैंने जरा पुराने जमाने का आदमी पांडे बेचैन शर्मा उग्र पर बड़ा काम किया है, और उग्र कैसे कथाकार थे, प्रेमचंद युग के जो उपेक्षा के गर्भ में चले गए, सुदर्शन, बृजननाथ मिश्र, निर्गुण, देव प्रसाद गुप्त, कई सारे बड़े कथाकार। संयोग वशात प्रभात से मेरी पहली किताब उग्र के साथ रंग गई थी 1980 के आसपास, तब मैं 19-20 बरस का था, और अभी आखिरी किताब ज्ञानपीठ से आई है उग्र पर समग्र। मैं चाहूंगा कि योजना पढ़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ,
कि योजना ने योजना पूर्वक नहीं पढ़ा होगा और नहीं, मेरा ख्याल है जहां तक मैं विश्वस्त हूं कि उग्र जी का नाम भी सुना होगा। लेकिन मैं दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं, संयोग बैठा क्यों पवन जी ने मुझे जोड़ा मुझे नहीं मालूम, उग्र की शिल्प शैली का अनूठा प्रभाव आपको योजना पर दिखाई देगा। उग्र जी ऐसी कहानियां लिखते थे, हत्यारा समाज तो उसमें एक थानेदार का वर्णन, फिर प्रेमी का वर्णन, फिर प्रेमिका का पत्र, फिर समाज का वर्णन, तो एक एक पक्ष आता था। वही शिल्प शैली योजना की कई कहानियों मुझे बहुत दिलचस्प दिखाई दी, बल्कि यहां तक कि जैसे हिमालय आत्माभिव्यक्ति करता है। उग्र के सबसे प्रसिद्ध जो दो निबंध है, मैं रुपया हूं या मैं बुढ़ापा हूं, अपने नवल या सुरेंद्र शर्मा जी को याद होगा और पुराने ओल्ड लोगों को याद होगा, तेजेंद्र भाई को याद होगा उग्र के बारे में, तो मैं रुपया हूं, वही शिल्प में मैंने खुद भी एक फिल्म पूरी ऐसी बनाई, मैं महाकाल हूँ, काल अपने जो मैं समय हूँ महाभारत में हमने इस्तेमाल किया था, वही डॉक्टर राही मासूम रजा है, व्यक्ति अपनी बात कहने की शिल्प और शैली, वो हिमालय बहुत अच्छा बन पड़ी है रचना। मैंने इनकी सारी कहानियां आज सुबह ही पढ़ी और दोपहर तक पढ़ता रहा। मुझे जो दिलचस्प बात लगी कि जैसे मैंने कहा मैं कथाकारों में आखिरी कथाकार मेरा प्रिय अमरकांत है, और अमरकांत के बाद मैं बहुत कम लोगों को पढ़ता हूं इधर, क्योंकि 90% कथाकार पुराना शिल्प शैली उठा करके और राम गोपाल का पाल गोमरा करके कथाकार बने हुए हैं। मेरी दृष्टि में उनकी कहानियों में कोई नया शिल्प नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे डॉक्टर नवल ने बहुत बड़ी बात की, बल्कि तेजेंद्र भाई ने भी उसको इंगित किया है, इधर जितने भी बड़े रचनाकार हुए हैं जीवन में, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ अपने पहले संग्रह में दिया है, चाहे आप जैनेन्द्र का परख देखें या उग्र की उसकी माँ ही देखें, जो भी महान कहानियां हैं, अमरकांत की भी जोंक या जिंदगी और इंटरव्यू और तमाम आरंभिक कहानियां, उसकी एक वजह मनोवैज्ञानिक भी है। मैंने खुद इस अनुभव को महसूस किया कि जैसे आप राज कपूर की फिल्म आह देखें या आग देखें और पुरानी, जो पहली फिल्म है उसमें आदमी अपना सर्वश्रेष्ठ दे देना चाहता है, उसे नहीं मालूम कि वो दोबारा बना पाएगा कि, लेकिन जब उसको जीवन में वक्त मिलता है तो वो आप पाते हैं कि उन फिल्मों को ही खोलता रहता है। आग में आपको सत्यम शिवम सुंदरम बंद मिलेगी, इवन धुन मिलेगी आपको, वो जो बाद में शंकर के किशन ने बनाते चले अन्य फिल्मों, प्रेम दंत से लेकर राम तेरी गंगा में लिखा, उसमें जली हुई लड़की का चेहरा पहली नायिका में है, वो सत्यम शिवम सुंदरम तक लाया राज कपूर उसके विस्तार को। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली फिल्म बनाई जयती जो उज्जैनी अपने शहर पर, और मैंने पूरा शहर इस तरह समेटा कि मुझे शायद जीवन में मौका मिले या ना मिले, लेकिन बाद में मुझे जब खोलने का मौका मिला तो उसी में से मैं फिर एक काल बनाई, फिर एक द टाइम बनाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म, तो आदमी अपने आप को खोलता चलता विस्तार देता। फिर मजे की बात यह कि डॉक्टर तेजेंद्र ने बहुत सुंदर बात की, योजना जी की कहानियों में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एक जो वो हेनरी ओ हेनरी या मोपासा की कहानियों में है, ट्विस्ट इन द टेल, आखिरी की पंक्तियों में एक जादू कर देना, वो कुछ कहानियों में मुझे मिला। कर्म की थ्योरी भी इन्होंने दी, वो बुरा नहीं था। मैं लेडीज बाथरूम का सभी ने उल्लेख कर दिया है, वो एक अच्छी कहानी बन पड़ी है, अनायास बन पड़ी है। मैंने कहा ना योजना बना करके नहीं लिखी गई, इसलिए सहज सरल और बहुत ही विरल कहानियां। मुझे सबसे ज्यादा अपील की वैलेंटाइन, क्योंकि मैं बहुत देर तक पढ़ने के बाद सोचता रहा कि स्मिता पाटिल पर मैंने एक लेख भी लिखा था, प्रभाष जी ने जनसत्ता में छापा भी था स्मिता पर। स्मिता पाटिल के जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, माँ बनना। एक नायिका के पास सब कुछ था, मान सम्मान धन, वो राज बब्बर से माँ बनने को राजी हो गई, उसकी पत्नी बनने को राजी हो गई, दूसरी पत्नी, सिर्फ माँ बनने के। तो इस कहानी वैलेंटाइन की खूबसूरती यह है कि वो महत्वाकांक्षी महिला है, कैरियरिस्टिक वुमन है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने परिवार को जो उसकी पूंजी है उसे संजोना चाहती है। और इधर आज की दुनिया में आप देखेंगे कि महिलाएं निरंतर आगे बढ़ने के प्रयासों में बच्चे या परिवार को पीछे छोड़ जाती है। ये बहुत खूबसूरती से कुछ कहानियां उकेरी गई है, और एक विलक्षण कथाकार की सारी संभावना इनमें मौजूद है जो इनको बधाई का पात्र बना। और मुझे उम्मीद है कि एक हिंदी को एक अच्छा नई कथाकार के रूप में, और महिला कथाकार इधर अभाव है ही, हमारे पास ममता कालिया के बाद की पीढ़ी में बहुत कम नाम है जो हम उंगलियों पर ऐसे लें कि बहुत श्रेष्ठ कथाकार हैं। पुरुष कथाकारों में भी मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं उग्र के बाद अमरकांत के यहाँ स्टॉप लगा चुका था, कुछ कुछ तेजेंद्र भाई की कहानियां मुझे स्मरण है। हमारे यहाँ भी एक तेजेंद्र थे डायरी वाले, काला पादरी,
मेरे मित्र थे, उनकी कुछ कहानियां भी मुझे अच्छी लगी। उदय प्रकाश की एक दो कहानियां ठीक ठाक लगी, पर बहुत कम लोग हैं जिनकी कहानियां मुझे अपील करती है, रोंगटे खड़े कर देती है। इनकी कहानियां बिल्कुल नई है, सहज सरल है, विरल है, और सबसे बड़ी बात यह कि श्रेष्ठ है। और एक बहुत अच्छी बात तेजेंद्र भाई ने कही, मैं उससे सहमत। पहले ही कहानी संग्रह में 2 या 4 कहानी भी श्रेष्ठ हो जाए, मैं तो कहता हूँ उग्र अकेले उसकी माँ से आज भी जाने जाए, गोर्की मदर से, टॉलस्टॉय वारंटी से, एक कृति भी आदमी को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था ही पर्याप्त है, और कुछ न भी लिखते तो उसने कहा था लिख गए थे वह पर्याप्त कहानी। तो इसमें 2-3 कहानियां ऐसी जिनकी, और ये जो डॉक्टर नवल ने बहुत सुंदर बात कह दी, ये सब अनुभवी लोग हैं, मंझे हुए लोग हैं इस विधा के, उन्होंने कह दिया कि जो कहानी है उसको जहां समाप्त करना था वहीं करा, अनावश्यक खिंचाव से वो धारावाहिक सीरियल की तरह लगने लगी और लघु कथा भी न रहे और प्यास बनी रहे। जो उर्दू के शायर ने कहा कि बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ फेर दिया, कहानी पढ़ने की जो ललक है वो बनी रहे। तो इस पीढ़ी में एक ऐसी संभावनाशील कथाकार को जन्म दिया है, उसको हम सब बधाई देते हैं। और संयोग है कि इतने बड़े लोग, उनमें सुरेंद्र शर्मा जैसे बड़े नाम है, भले वो कविता के क्षेत्र के बहुत बड़े नाम है लेकिन साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर है। निशंक भी कवि के रूप में जाने जाते हैं पर उनको कथा पर भी बहुत अधिकार है मैं जानता हूँ। तेजेंद्र भाई तो खुद ही बहुत अच्छे कथाकार है खुद ही। और ये डॉक्टर नवल ने एक बात और कही है, इस पर ध्यान देना है, योजना को आगे जाकर इसकी योजना बनाए, इसमें पटकथा के तत्व हैं, फिल्मी तत्व हैं, या अगर आप इसको पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि दृश्य आंखों के सामने आ रहे हैं। यानी हमारी फील्ड का कोई आदमी आए तो वो इसको फिल्मांकन कर सकता है, इसमें कुछ संभावनाएं मुझे दिखाई दी। और दूसरी बात मैं जरूरी ये कहना चाहूंगा कि चूंकि आप जर्मनी में रहती हैं और नई पीढ़ी की हैं, पर आपकी हिंदी कहानियों में अंग्रेजी शब्दों का बेहद बाहुल्य है, उसे कम से कम कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी दा शब्द हिंदी में आकर के बहुत विचित्र से भी लगते हैं। उसका विशुद्ध हिंदीकरण न कर सके तो सरल हिंदी में उसके सामने आमने के शब्द मिल जाएंगे और उसका सहज सरल प्रयोग से वो कहानी और सरल और अच्छी हो जाएगी। शीर्षक जो इमली का चटकारा है, सबने जैसे कहा वो चटकारा तो नहीं देती, हाँ करंट अवश्य देती है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मार्मिक है इमली का चटकारा, और एक तरह से करंट लगाती है। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जी शीर्षक क्या सोचकर आए थे कि कोई हल्के फुल्के कहानियां होगी, हास्य व्यंग की कहानियां होगी, लेकिन एकदम गंभीर और मार्मिक कहानी, खासतौर पर बहुत बुरा नहीं, मुझे कर्मफल की याद दिलाती है। हमारे भारतीय ज्योतिष का सिद्धांत है कि आपने जो किया है वो खुद उसका जुर्म उसे उम्र भर सजा देगा, खामोशी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं। इसमें वो व्यक्ति बलात्कार करने वाला है और उसी की बेटी के साथ ये घटना घटती है, ये कथा एक अनूठी ढंग से रची हुई कहानी है और वो उसी स्त्री को याद करके भागता, अपनी बेटी को नहीं। तो ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उसको एक कथा के रूप में रच देना और वो सत्य प्रतीत होता है, ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक कथा रचती है, ऐसा घट सकता है और ऐसा हुआ होगा, और एक कथाकार ने अगर कल्पना की है तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ बहुत सुंदर कहानियों के लिए, और ये सब विद्वान एक मंच पर इकट्ठे हो जाए और जिनको सबको बार बार सुनने का मन हो तो मन नहीं भरता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। और एक मंच पर इतने सारे सितारे इकट्ठे होना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और इस संयोग को बहुत अच्छी तरह से फलित किया है योजना ने और पवन जी ने। एक ही मंच पर इतने सारे लोग हों, जहां आप भी हों, आदरणीय निशंक जी भी हों, सुरेंद्र शर्मा जी भी हों, और जहां पर हरीश नवल जी भी हों, तेजेंद्र शर्मा जी भी हों, इतने सारे लोग कहां एक साथ एक मंच पर एक समय में इकट्ठे होते हैं। तो ये तो जैसे सप्तऋषि का जो संयोग होता है उसी तरह की ये संयोग यहाँ पर बना हुआ है। और आपने इस पुस्तक के बारे में जिस तरह मुझे उम्मीद थी उसी तरह से आपने बड़े लाड़ के साथ भी अपनी बात कही, और एक अभिभावक के रूप में भी कही, और ये बात कही कि उग्र वाला तेवर है जो आपको आज के लोगों की कहानियां पढ़ने में रुचि नहीं आती है, लेकिन योजना की कहानियां पढ़ने में आपको रुचिकर लगी, तो ये बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ। और वैलेंटाइन कहानी आपको इस कहानी संग्रह की सबसे अच्छी कहानी लगती है, और ये कहानियां विलक्षण कथाकार के रूप में उभरेंगी, ऐसी आपने शुभकामनाएं
हमारी योजना जैन को दी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और योजना देखिए बहुत खुश हो जाइए कि इतने सारे लोग आपके बारे में कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं और कितना मन से कह रहे हैं। ये एक दुर्लभ संयोग है लेकिन आपकी कहानियों में ताकत है वो, जो इन लोगों के मुखारविंद से ऐसे शब्द निकलवा रही है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे साथ में सुश्री शिखा वार्ष्णेय जी उपस्थित हैं, जो टीवी जर्नलिज्म में परास्नातक हैं और लंदन निवासी हैं, हिंदी लेखिका हैं, ब्लॉगर और स्तंभकार हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की मीडिया पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। एबीपी न्यूज का सर्वश्रेष्ठ हिंदी ब्लॉगर और हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए श्री सत्यनारायण शुक्ल स्मृति प्रथम श्रम साधना सम्मान से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। शिखा ने 3 किताबें अभी तक लिखी हैं, स्मृतियों में रूस, मन के प्रतिबिंब ये कविता संग्रह है और देसी चश्मे से लंदन डायरी। इसके साथ ही वह स्पंदन और भुक्कड़ घाट नाम के लोकप्रिय ब्लॉग की संचालिका भी हैं। आपके नाम भी ये इसका बड़ा भुक्कड़ घाट, जिस तरह आपने अपने ब्लॉग का नाम रखा है तो बड़ा जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि एक बार जाकर देखें आपका ब्लॉग क्या है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ शिखा वार्ष्णेय जी को कि वे आए और इस पुस्तक पर इन्होंने भी अपने कुछ टिप्पणी लिखी है, तो इस पुस्तक पर अपने उद्बोधन दें, अपने विचार रखें। शिखा वार्ष्णेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति काले जी और इस मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ और बड़े साहित्यकार लेखक लोग हैं उनके सामने है, तो मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, तो मुझे अभी कुछ बोलते हुए भी बड़ा डर लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी सारगर्भित बातें हमने अभी आप सभी से सुनी, तो मेरा तो इस मंच पर आना सार्थक हो गया वैसे ही इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी सुनकर, क्योंकि योजना की कहानियां मैंने पढ़ी और उस पर अपनी एक छोटी सी टिप्पणी भी मैंने इस पुस्तक में लिखी है। तो संक्षेप में मैं अपने जितनी मेरी समझ है उस पर मैं छोटी सी एक बात बस कहना चाहती हूँ योजना से, कि जहां तक मुझे लगता है कहानी एक पाठक के लिए एक दर्पण की तरह होती है, जिसमें वह किसी कथ, उसके चरित्र और उसमें सम्मिलित परिस्थितियों के माध्यम से स्वयं का अवलोकन भी करता है और स्वयं को बेहतर व्यक्ति बनाने का एक अवसर भी पाता है। यूं कहानियों को काल्पनिक कहा जाता है, परंतु मनुष्य की कल्पना एक परिस्थिति जनक ही होती है, अतः किसी भी कल्पना का कहीं ना कहीं किसी यथार्थ से संबंध भी अवश्य होता है। बेशक उनमें भावों की प्रधानता होती है, कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन उनमें जो समाहित उद्देश्य होता है वह यथार्थ परक ही होता है। और कहानी की शायद इसी परिभाषा पर इस पूरे कहानी संग्रह का उसको एक मूल तत्व कहा जा सकता है। योजना का यह पहला कहानी संग्रह है, इस लिहाज से कहा जाए तो इस कहानी संग्रह की कहानियां पठनीय तो है ही, साथ ही उनमें सामाजिक समस्याओं और मुद्दों की भी गहन चर्चा है। लेखिका हर कहानी में एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराती है जिसका हमारे समाज से सीधा सीधा संबंध है, जो बेहद मूल समस्याएं हैं परंतु जिनकी चर्चा होनी भी आवश्यक है लेकिन जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेखिका इन मुद्दों के प्रति चिंतित और बेचैन नजर आती है, अतः वह भाव शहर सी कहानियों में भी परिलक्षित होते हैं। इस संग्रह में जो कहानियां हैं उनमें कई विषय हैं, जैसे प्रेम भी है, नफरत भी है, शौर्य भी है, दुख भी है, खुशी भी है, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी है, नारीवाद भी है, सामाजिक कुरीतियां भी हैं, बदलता परिवेश भी है, परंतु फिर भी एक हर एक कहानी में अपना एक अलग मुद्दा है। वह एक किसी बेहद विशेष मुद्दे पर फोकस है और ये छोटी छोटी शिक्षा प्रेत कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां पाठकों को लुभाती भी है और उन पर विचार करने पर भी विवश करती है। अगर भाषा की बात की जाए तो योजना की कहानियों में जो भाषा है वो बेहद ही सरल और सहज है, जैसा कि अभी व्यास जी ने भी कहा कि उनमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, काफी सहज तरीके से उन्होंने उसको पूरी उदारता के साथ उसमें प्रयोग किया है, और इसलिए यह आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कहानियां हैं जो सबके लिए सर्वग्राह हैं, सरल हैं और किसी भी पाठक को अपने आसपास के वातावरण और परिवेश को समझने में और उनसे जोड़ने में सहायक होती है। कहानियों में भाव जो है वह प्रबल है, बहुत ही संवेदनशील कहानियां हैं ज्यादातर, और कई कहानियों में व्यंग का पुट भी है जो उनको पढ़ने में जो रोचकता है और उसमें जो दिलचस्पी है पाठक की वो बनाए रखता है। जैसे कि बहुत सभी ने अभी यहाँ पर जिक्र किया लेडीज बाथरूम का, तो उसका एक जो वाक्य है मैं आपको बताती हूँ उसमें किस तरह से व्यंग
और चुटेले ढंग से बेहद गंभीर समस्या को योजना ने बताया है। वह कहती है कि किसने इसे सुलभ का नाम दिया। उसने सोचा इससे दुर्लभ इस पूरे बाजार में और कुछ भी नहीं है। देखिए सुलभ किसने नाम दिया और इससे दुर्लभ तो कुछ है ही नहीं। ये एक कितनी गंभीर समस्या है जो अचानक से वो एक शब्द में बता देती, एक वाक्य में बता देती और वह मन ही मन अपने शब्द ज्ञान पर मुस्कुराती भी है। तो इस तरह के बहुत ही शायद इसलिए इन्होंने इसका नाम इमली का चटकारा रखा है कि चटकारा तो उसमें नहीं है लेकिन जैसा कि अभी सर ने कहा कि उसमें करंट है तो वही एक जो व्यंग का की जो मार है वो उन कहानियों में दिखाई पड़ती है। और इस संग्रह की जो मेरी पसंदीदा कहानी है वह है चेर्नोबिल और येलेना। बेहद संवेदनशील वह कहानी है और एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू को भी वह दिखाती है। तो इस संग्रह में मेरे ख्याल से 12 कहानियां हैं जो अलग अलग विषय और शिल्प को लेकर खास हैं और उनमें लेकिन सभी में एक जो आम बात है वह है उनकी पठनीयता। तो सभी कहानियों में जो पठनीयता का तत्व है वह पूरी तरह से समाहित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनसामान्य से जुड़ी ये कहानियां पाठकों को जरूर पसंद आएंगी। योजना का ये पहला संग्रह है और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ और यही दुआ करती हूँ कि ऐसे और कहानी संग्रह और उपन्यास योजना के आए। और मैं बहुत बधाई देती हूँ पवन जी को भी कि उन्होंने इतने अच्छे कहानी संग्रह को अपने प्रकाशन से प्रकाशित किया। बहुत बधाई योजना को। और इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी बात खत्म करती हूँ और इस मंच पर सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और अब वो घड़ी भी बहुत जल्दी आने वाली है जब हम आदरणीय निशंक जी को और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के उद्बोधन को से लाभान्वित होंगे। लेकिन उसके पहले जो इस कहानी संग्रह के प्रकाशन की एक कड़ी है, प्रकाशन की यात्रा की एक कड़ी है, वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, श्रीमती उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी। मेरी बहुत प्यारी सहेली है उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी, जो स्वयं में एक कवयित्री भी हैं और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिंदी के साथ में सरह की भाषा में भी कविताएं लिखती हैं, जो सरह की भाषा थोड़ी सी लुप्त होने लगी थी अब दोबारा से उसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहुत प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो सरह की भाषा में भी ये कविताएं लिखती हैं और इनके 5 कविता संग्रह गजल संग्रह शीघ्र प्रकाशित होने वाले हैं, जिनमें से प्रमुख है द्रौपदी। और द्रौपदी मुझे लगता है कि शीघ्र प्रकाशित होगी या प्रकाशित हो चुकी है। और सर और बहुत बड़ा काम इन्होंने इस लॉकडाउन में किया है जिसे रेखांकित मैं अवश्य करना चाहूंगी। जब लॉकडाउन के समय में और कोरोना के समय में सब लोग बहुत उदासीन हो गए थे, उस समय उर्वशी उर्वी जी ने इतना बड़ा काम किया है कि अक्टूबर 2020 में हिंदी काव्य जगत में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन की परिकल्पना संयोजन एवं संचालन कर एक इतिहास बनाया है, जिसमें देश विदेश की लगभग 150 कवित्रियों ने अपना काव्य पाठ किया। और इस सफल कार्यक्रम में 20,000 से भी अधिक काव्य प्रेमियों तक यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा प्रयास है। पता नहीं कितने लोगों को उस कठिन समय में उत्साहित करने का काम वर्चुअल माध्यम से ही सही लेकिन उर्वशी उर्वी जी ने किया है। तो अपना उद्बोधन देने के लिए मैं उर्वशी जी को बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी बात हमारे समक्ष रखें। आपका बहुत आभार कीर्ति दीदी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सचमुच अगर आप आज नहीं होते तो ये कार्यक्रम इतनी मीन्स रंगीन ना होता, इतना अच्छा ना होता। और सबसे पहले तो मैं सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नन्ही सी कलम हूँ और आज मुझे मौका मिला है योजना की इमली का चटकारा में सम्मिलित होने का, जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत अनेक अनुभव होते हैं, परंतु उन अनुभवों को कहानी या कविता के रूप में संजोकर लिखने की कला विकसित नहीं हो पाती। जो लिख पाते हैं वास्तव में उनकी लेखनी में वह शक्ति होती है कि समाज के किसी भी वर्ग को या तो व्यक्ति को झकझोर कर प्रभावित किए बिना नहीं रह पाती। और तभी कहा जाता और सुना जाता है कि अमुक की लेखनी सशक्त है, जैसा कि आज हम
योजना की लेखनी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम सभी एकत्र हुए हैं डॉक्टर योजना साहा जैन के सद्य प्रकाशित पहले कहानी संग्रह इमली का चटकारा के लोकार्पण समारोह, जिसे प्रकाशित किया है देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। डॉक्टर योजना की इस पुस्तक को हाथ में लेते ही सर्वप्रथम तो यही समझ में आया कि सभी कहानियां संभवतः नारी शक्ति पर केंद्रित हैं, क्योंकि पुस्तक का कवर स्वयं में इतना आकर्षक व आत्मव्याख्यात्मक है। यूं तो इस कहानी में 12 कहानियां हैं, परंतु सभी कहानियां महिलाओं पर केंद्रित हैं और जीवन की मूलभूत समस्याओं को उजागर करती हैं। परंतु कुछ एक कहानियां तो वास्तव में दिल को छू लेने वाली हैं, जैसे लेडीज बाथरूम, करियर वुमन, बाकी सभी 12, मुझे तो खैर सभी 12 बहुत अच्छी लगी। और कहानियां बिल्कुल ही मजे हुए ढंग से योजना जी ने लिखी हैं और ऐसा नहीं लगता कि उनका ये पहला कहानी संग्रह है। मेरी ओर से डॉक्टर योजना को हार्दिक बधाई व उनके निरंतर प्रगति के लिए शुभेच्छा। वे निरंतर लिखती रहे, उनकी लेखनी सदैव सशक्त रहे और इसी तरीके से रचनाएं समाज को प्रभावित करती रहे, प्रेरित करती रहे। और यहाँ मैं आज ये जरूर कहना चाहूंगी योजना जी, जैसे कि मैंने 2-3 कहानियों का नाम लिया, लेकिन मुझे तो सभी कहानियां अच्छी लगी। और जैसा कि मैं इत्तेफाक रखती हूँ डॉक्टर नवल और राजशेखर जी की बात से कि जो किताब का शीर्षक है इमली का चटकारा, जब आपकी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली, मैं भाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले आपकी कहानियां पढ़ने का मौका शायद मुझे मिला, तो मैं रोक नहीं पाई इस पुस्तक को रेफरेंस जब मैंने दिया कि ये कहानी की किताब अच्छी है, इसे छापा जाए। सभी कहानियां मैंने तब पढ़ी, नॉर्मली पढ़ी, लेकिन अब जब मैंने ये दोबारा कहानियां पढ़ी हैं तो योजना जी वाकई मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे तो पहली बार पढ़ के भी ठीक था, लेकिन अब जब मैंने दोबारा बहुत मन से पढ़ी तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। और नन्ही सी कलम हूँ, आपकी जो पहली कहानी है आंदोलन, यही कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा इसमें इमली का चटकारा कहाँ से है। खैर मैंने सोचा अगली कहानी जब इमली का चटकारा मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा चटकारा आए, तो नहीं, उस कहानी ने तो वाकई मुझे रुला दिया। जो आपकी इमली की कहानी मीन्स इमली का चटकारा जो कहानी है उसने वाकई रुला दिया। वैसे सभी कहानियों ने इस तरीके से ही भावुक किया, लेकिन जो आपकी आंदोलन कहानी है वहाँ आंदोलित करती हुई कहानी है वो, इसमें कुछ पंक्तियां हैं कि बहुत अच्छा है, यही तो तरीका है, जब तक तलवार नहीं चलेगी कोई लहू लुहान नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, घर नहीं जलेंगे, किसी के सपने नहीं टूटेंगे, गरीबों की जान नहीं जाएगी, तब तक कैसा आंदोलन। तो शांति से किया जाने वाला भी कोई आंदोलन होता है। तो किस तरीके से आपने इस कहानी का समापन किया वाकई बहुत भावुक करने वाला है। एक दोहा लिखा है मैंने आपके लिए स्पेशल इस कहानी के लिए, बेचारा मजबूर है उसका यही नसीब। योजना जी स्पेशल इस कहानी को समर्पित करती हूँ मैं ये दोहा कि बेचारा मजबूर है उसका यही नसीब, आंदोलन के नाम पर पिसता रहा गरीब, आंदोलन के नाम पर पिसता रहा गरीब। और जब मैंने लेडीज बाथरूम पढ़ी तो यहाँ ये कहने में मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी योजना जी कि जो एक पिक्चर आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बाद अगर टॉयलेट पर या सुलभ शौचालय पर कोई अपना ध्यान मींस आकर्षित करेगा तो आपकी ये कहानी होगी लेडीज बाथरूम। वाकई लेडीज बाथरूम हम सभी लेडीज की एक बहुत बड़ी समस्या थी बचपन से, जब से हम बड़े हुए हैं हम देखते हैं कि पुरुषों के नाम पर, पुरुषों के लिए तो शौचालय होते थे या पुरुषों के लिए शौचालय ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अक्सर हमने देखा गया है, जिसका आपने बखान अपनी कहानी में भी किया है। तब मैंने 2 दोहे लिखे हैं लेडीज बाथरूम के ऊपर की बहुत बड़े शोरूम का, जब इस कहानी की नायिका क्या नाम था योजना, कविता, जब इस कहानी की नायिका वॉशरूम जाती थी अपने पीरियड्स के दिनों में या वैसे भी, तो वो सब सफर तय कर लेती थी और मीन्स हर एक कहानी अपने साथ लेकर के आती थी, तब मैं कहती हूँ कि बड़े, जब वो पन्नालाल ज्वेलर्स के सामने से गुजरती है तो क्या कहती हूँ कि बहुत बड़े शोरूम का ठंडा है संसार, बाहर की दुनिया गर्म
चिपचिप बदबूदार, बाहर की दुनिया गरम चिपचिप बदबूदार, और दुनिया भर में है मची भारत की है धूम। हमको भी तो चाहिए लेडीज बाथरूम, हमको भी तो चाहिए लेडीज बाथरूम। ठीक है ना, थोड़ा लेडीज पढ़ने में मात्रा गड़बड़ कर रही है, लेकिन लेडीज बाथरूम की मात्राएं पूरी हैं। तो वही पुरानी चिट्ठी भी आपकी काफी भावुक करने वाली कहानी है, और बाहर से दिखते नहीं भीतर हैं जो घाव, बहुत अच्छी यानी कि इसमें आपने पंक्ति ये कही है। और इसमें जब उनकी पत्नी जाकर के क्या नाम है उसका, सलोनी, जब समीर के पास जाती है और कहती है कि जख्म ठीक हो सकते हैं अगर उसका इलाज किया जाए ब्ला ब्ला, तो मुझ में आखिर आ गया कैसा ये बदलाव। तो इस कहानी का जो नायक है समीर, तो उसके मन में ये बात उठी होगी कि मुझ में आखिर आ गया कैसा ये बदलाव, तेरी मरहम से भरे मेरे सारे घाव। तो कहानियां एक से एक है। तीसरी बेटी ने इतना भावुक किया, एक अजीब ही रिवाज है दुनिया में और जो कि अब तक चल रहा है, जो आपकी आपने अपनी कहानी में कहा है, बेटा बेटी के यहाँ समझी नहीं रिवाज, सब कुछ बदला है मगर बदला नहीं समाज, सब कुछ बदला है मगर बदला नहीं समाज। मैंने अपना उद्बोधन अपनी अपनी इस दोहों के द्वारा किया। सबसे इम्पोर्टेंट महत्व जो कि इस महत्वपूर्ण है, जो कि इस पुस्तक का शीर्षक है, इमली का चटकारा। तो मैं कहती हूँ कि खट्टी मीठी इमलियां लाती हूँ मैं खोज, खट्टी मीठी इमलियां लाती हूँ मैं खोज, चटकारा है जिंदगी लेती हूँ मैं रोज, चटकारा है जिंदगी लेती हूँ मैं रोज। और इस कहानी की जो इस कहानी की नायिका है कंचन, वाकई आपने शीर्षक जरूर दे दिया इमली का चटकारा, मगर रुला गया इसका अंत भी और खुशी भी दे गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हर कहानी के अंत में एक जबरदस्त व्यंग दिया है, व्यंग किया है, जो कि चुपके से आप कह के अपनी बात चली गई, और हम जो पाठक है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा पढ़ करके, जैसे कि मैं मजबूर हो गई। तब दोहा कहती हूँ कि जब दुनिया बेरहम थी, जब दुनिया बेरहम थी, तब कंचन मजबूत जीकर उसने दे दिया सच्चा एक सबूत, जीकर उसने दे दिया सच्चा उसे सच्चा एक सबूत। और अंतिम दोहा कहती हूँ कि फूल की कहानी में, वैसे दोहे तो मैंने सारे ही लिखे हैं, लेकिन अंतिम दोहे कहती हूँ कि कुदरत की इस देन पर मैं तो हूँ हैरान, फूलों फूलों को फूलों को करते नहीं कांटे लहू लुहान, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ, फूलों को करते नहीं कांटे लहू लुहान, और देखूं दुनिया आपकी होती हूँ मैं दंग, भरते कैसे राम जी फूलों में हो रंग, भरते कैसे राम जी हो फूलों में रंग। तो योजना बहुत बहुत बधाई हो आपको इतनी सुंदर पुस्तक के लिए, काश कि हम इसमें चटकारे ले पाते। बिलीव करना योजना, जब मैंने इस कहानी की पुस्तक को दोबारा पढ़ा तो मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं बहुत भावुक थी, और मुझे लगता है कि ये जो किताब है बहुत आगे तक जाएगी। मेरी सभी शुभकामनाएं आपको और सभी सुधीजनों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उर्वी जी, आपने तो सारे दोहे लिख दिए, हर कहानी पर एक दोहा लिख दिया। तो आगे मुझे लगता है कि इसका अगर दूसरा द्वितीय संस्मरण प्रकाशित होगा, और निश्चित रूप से होगा, तो इसकी कहानियों के साथ में आपका दोहा भी जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक कहानी के साथ एक दोहा, आपने बड़ा सारगर्भित काव्यात्मक उद्बोधन अपना यहाँ पर प्रस्तुत किया। आइए अब वो क्षण आता है जब हम अपने मुख्य अतिथि महोदय और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के उद्बोधन से लाभान्वित होना चाहेंगे। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ पर उपस्थित है, इस समारोह के मुख्य अतिथि बने हुए हैं, और इस समारोह के मुख्य आतिथ्य का दायित्व इन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से भी, प्रभात प्रकाशन की ओर से भी और योजना की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय निशंक जी के साथ में दो तीन बार काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लोकसभा टेलीविजन पर भी और अन्य अन्य कार्यक्रमों में भी। आदरणीय निशंक जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है
कि इनकी इतने सारे राजनीतिक सक्रियता होने के साथ साथ में भी इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी कहानियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर निशंक बचपन से ही कविता और कहानियां लिखते रहे हैं। आपका पहला कविता संग्रह समर्पण वर्ष 1983 में प्रकाशित हुआ। अब तक आपकी कविता, कहानी, उपन्यास, पर्यटन ग्रंथ, बाल साहित्य, व्यक्तित्व विकास, धर्म संस्कृति डायरी, संस्मरण यात्रा वृत्तांत सहित कुल 8 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य की मुझे लगता है अन्य इतनी सारी विधाओं को एक साथ समेटकर लेखन करना और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होते हुए भी, एक शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए भी, इतना कार्यभार संभालते हुए भी इतना विपुल साहित्य की रचना करना अपने आप में एक मिरेकल है, एक आश्चर्य है। डॉक्टर निशंक के साहित्य का जर्मन, क्रियोल, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, नेपाली इत्यादि कई विदेशी भाषाओं सहित तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, डोगरी, भोजपुरी, कोंकणी, राजस्थानी तथा गढ़वाली, कुमाऊनी आदि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आदरणीय निशंक जी के विपुल साहित्य पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों में 24 से अधिक शोध एवं लघु शोध हो चुके हैं तथा 4 डिलीट एवं 1 दर्जन से भी अधिक शोध कार्य जारी हैं। रचनाएं एवं पुस्तकें देश एवं विदेशों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। बहुत सारे हमारे देश के कई राष्ट्रपतियों ने इन्हें सम्मानित किया है, जिनमें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, श्री प्रणव मुखर्जी जी द्वारा इनकी पुस्तकों का राष्ट्रपति भवन में लोकार्पण एवं सम्मान हो चुका है। बहुत बड़ा इनका जो परिचय है और इतना अच्छा विपुल परिचय है और इतना सारगर्भित हिंदी साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए लंदन में वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सृजनी, द क्रिएटिव वुमेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल जीनियस गैलेक्सी 3G अवार्ड को ये सुशोभित कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्हें मिल चुका है, बल्कि इन्होंने उस अवार्ड को सुशोभित किया है। साहित्य सृजन में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा कनाडा ने साहित्य गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। मॉरिशस से, युगांडा में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, पोलैंड में, टोक्यो में, बेल्जियम में और देश विदेश की 300 से अधिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्र गौरव, भारत गौरव, प्राइड ऑफ उत्तराखंड एवं यूथ आइकॉन, साहित्य भूषण, साहित्य गौरव, साहित्य वाचस्पति, विद्या वाचस्पति सम्मान और अवार्ड इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। ये पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एवं वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मैं इन्हें बड़े सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। बहुत देर तक यहाँ पर ये उपस्थित रहे इसके लिए भी, क्योंकि इनका समय बहुत ही कीमती है, बहुत सारे काम होते हैं, बल्कि सभी लोगों का समय बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी आग्रह को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ बहुत आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। सभी को मैं सबसे पहले तो इस अच्छे अवसर पर जो आप सब लोगों ने समय दिया है और ये इस बात का प्रमाण है कि आप सब में सृजनात्मक छटपटाहट है। योजना जी, आज हम सभी लोग आपको बधाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। समीक्षा तो भविष्य में होती रहेंगी, उसकी चिंता नहीं है। हम लोग आज आपने, क्योंकि सोचते तो बहुत लोग हैं, बोलते भी बहुत लोग हैं, कुछ लोग थोड़ा सा आगे कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं, ये निराश हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या बोलेगा। हम जितने लोग इधर बैठे हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री सुरेंद्र भाई की अध्यक्षता में ये ऐतिहासिक ही आपका लोकार्पण हो रहा है, सबके अपने अपने मानस होंगे। जब विश्लेषण करने की बात होगी तो सबके अपने अपने क्षमताएं होंगी,
क्योंकि जिस रास्ते से होकर के जो जो लोग गुजरते हैं वो चीजें उनको कई बार अच्छी लगती हैं, और जरूरी नहीं कि जो मुझे आज अच्छी लग रही है वो कल के दिन आप में बहुत ही अच्छी लगे, या जो खराब लग रही है कल वो मुझे अच्छी ना लगे। समय और परिस्थितियां उन रचनाओं को आदमी को तैयार करती है। हमको इसके बारे में कतई नहीं सोचना है। आपके मन की सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके मन की छटपटाहट थी, जो मन के अंदर वेदना थी, संवेदनाएं आपको पूरी तैयार कर रही थी, वो आपने रोकी नहीं, उनको दबाया नहीं, और बल्कि उसको आपने अभिव्यक्ति दी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि वो अभिव्यक्ति दें, लेकिन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास छटपटाहट तो होती है, संवेदनशीलता तो होती है, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पर सुरेंद्र भाई हैं, हम सब लोगों की बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। अब वो लंबे समय से हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा, लिख भी रहे हैं, लेकिन उनका अपना अंदाज है, लोगों को उनकी चीजें पसंद आती हैं। अब हमको पाठकों को ढूंढना नहीं है, पाठक हमारी चीजों को ढूंढे इसकी जरूरत है, और उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसलिए लिखूं, मैं इसलिए लिखूं कि मेरी वहां तक चीजें पहुंच जाए, वो केवल शब्दों को थोपते हैं, हृदय की भावनाएं नहीं जा सकती वहां तक। जो चीज जन्मती है स्वतः स्फूर्त, उसको रोकना मैं सोचता हूं कि अब उसके साथ अन्याय है, और जबरदस्ती किसी चीज को थोपना वो भी कम अन्याय नहीं है। इसलिए आज हमको ये बड़ी चिंता होती है, साहित्य साहब बड़ी नहीं रहा कोई, क्यों नहीं पढ़ेगा कोई, हम कुछ देने की स्थिति में है कि नहीं है। तो इसलिए आज हमको, मुझे व्यक्तिगत भी खुशी है, तेजेंद्र भाई यहाँ पर हैं, वो भी एक बड़ी पीड़ा से होकर के गुजरे हैं, और मैं भी कमोबेश आपके लिए मैं जुड़ा हूँ। मुझे मेरे डॉक्टर ने अभी तक भी ये इजाजत नहीं दी, डेढ़ महीने दो महीने कोरोना ठीक होने के बाद भी अभी उस स्थिति से गुजर रहे, पूरी दुनिया ही गुजर रही है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको और प्रभात प्रकाशन को, यहाँ पवन भाई हैं, मैं आप दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। प्रकाशक, देश का सबसे बड़ा प्रकाशक होते हुए मुझे याद आता है 1984 में मैं जोशी प्रधानाचार्य होता था, और वहां से मैं किसी तरीके से मुझे पता चला कि प्रभात प्रकाशन अच्छी किताबें प्रकाशित करता है, और मैं वहां से चला, मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी, किसी नहीं थी, लेकिन मैं भटकते भटकते और प्रभात प्रकाशन तक गया। एक एक क्षण मुझे आज याद आ रहा है, पूज्य ताऊ जी का, आपने श्याम सुंदर जैन जी का, उन्होंने जैसे मैंने कहा मैं हिमालय से आया हूँ, तुरंत बिठाया, कहा कब आए क्या, एक एक शब्द पूछा, फिर मैंने धीरे से बोला संकोच बस डरते हुए कि ना मैंने कुछ ये, और मैं ये समझता हूँ कि समाज में मेरी तमाम समस्याएं, आपने कुंठाओं को भी देखा है, आपने संवेदनशीलता को देखा, प्रबल भाव है आपके, हर कहानी में कुछ ना कुछ प्रबल भाव लेकर के आप आए हैं, सामाजिक सरोकार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी भी कहानी में उपन्यास हो कोई भी साहित्य हो, यदि सामाजिक सरोकारों से युक्त नहीं है तो फिर क्या है। जिन लोगों के बीच हमें, जिन लोगों के जो छटपटाहट जहां से पैदा हुई है, वो उन्हीं लोगों में किस रूप में हम मान सकते हैं, तो जीवन के यथार्थ से जुड़े बहुरंगी आपकी जो कहानियां हैं उसमें सब कुछ समाहित है, वो भाव भी है, भावनाएं भी है, संवेदनाएं भी, अभिव्यक्ति की सहज तरीके से आपने सहज भाव को लेकर के जो किया है, और निश्चित रूप में जो कहा भी गया है कि विश्वास की इसमें गहराई है, और छोटी छोटी बातों में जैसे गागर में सागर भरने का आपका प्रयास है, अच्छा प्रयास है, प्रेम है, खुशी है, गम है, सुख है, दुख है, आक्रोश है, होश है, जोश है, संघर्षशीलता है, संवेदनशीलता है, क्या चाहिए किसी साहित्य में, किसी न किसी रूप में जो आपके अंदर छटपटा रहा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य तो पूरी दुनिया का एक ही है, वो चाहे हिंदुस्तान है, पूरा संसार का मनुष्य एक ही है, उसकी कठिनाइयां कहीं ना कहीं एक ही जैसी है, मन भी एक जैसा है, यहाँ
अलग अलग प्रकार के हों। एक व्यक्ति ये कंडीशन बंगले में बैठा है तो उसकी मनस्थिति वैसी हो जाती है, एक व्यक्ति सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, तो लोग तो सभी जगह कुछ ना कुछ उसी मनस्थिति के हैं। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और ये भी अच्छी बात है कि बाहर की चमक दमक पर आपने चोट की है, तो अंदर से खोखलापन हो, अंदर कुछ ना हो और बाहर दिखावा कुछ हो, ऐसी ही लोगों ने ऐसी चीजों ने ज्यादा कठिनाइयां पैदा की हैं। तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, संस्कारों की भी बात की है, अपने विचारों की भी बात की है, अपने संस्कृति की बात की, अपने प्रकृति की बात की, अपने समष्टि की बात की। मुझे अच्छा लगा आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को जोड़ करके उसको समाहित किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत कर रहा हूँ, और योजना आज हम आपको बहुत बधाई देने के लिए इकट्ठा है। आपकी ये जो यात्रा है ये अनवरत बढ़े, ये कहीं बाधा ना पड़े, बाधा भी हो तो ताकत के साथ उसको दूर करने की जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि आपका कहानी संग्रह कभी मैंने टटोला है, देखा है उसको भी मैंने देखा, संभावनाएं बहुत है, पता चल जाता है आपकी कहानियों में संभावनाएं पता चल गया कि आपकी लाइन क्या है, आपकी दिशा क्या है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बढ़ो। और ये अच्छी बात है कि परिवार का आपको सहयोग है, तो इसलिए जब प्रभात जैसा प्रकाशन हो और आप जैसे भावनाओं को लेकर के सहज और सरल शब्दों में विभिन्न समस्याओं को उजागर करते, संघर्ष से लेकर के शिखर तक सफलता के जाने के आप में छटपटाहट हो, तो मुझे लगता है कि रास्ता आसान है, अच्छा है। और एक बार मैं विशेष करके अपने बड़े भाई और जिनकी अध्यक्षता में आज ये अच्छा कार्यक्रम हुआ, इतनी देर तक वो बैठे हैं, हालांकि कभी सम्मेलन में भी उनको बैठने का अध्यक्षता करने का बड़ा लंबा अनुभव होगा, तो लेकिन वो हमारे गौरव हैं, पद्मश्री हैं, और उनकी हर बात में बहुत गंभीरता है, गहराई है, परिवर्तन की छटपटाहट होती है, और कुछ ना कुछ लेकर के आदमी उनसे जाता है। तो आज एक बार फिर मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ, आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपकी जो यात्रा शुरू हुई कविता से कहानी की ओर जो आगे बढ़ रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो आपके मन में आता लिखिए, आप जो मन में आता लिखिए, आप ये समीक्षा के चक्कर में मत पड़िएगा आप कभी। मैं दुख कहना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभवों की बात कर रहा हूँ, आप इस चक्कर में मत पड़िए, जिसको भविष्य में समीक्षाएं करनी होंगी वो करे ना। हमारा काम जो हमारे मन के अंदर भावनाएं विचार है, हमारी जो संवेदनशीलता है, वो मरनी नहीं चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो कुंठा में बदलनी नहीं चाहिए, वो सृजन के रूप में, वो बीज के अंकुर के रूप में उभरना चाहिए। और वो बीज अंकुरित होगा, उभरेगा, सृजन का जो बीज है उसको बहुत सारे थपेड़े खाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और तब जाकर के वो बहुत मुश्किल से वो बीज तो है सृजन का, लेकिन उसको उगते उगते कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग रचना से जुड़े हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने देश के सभी लोगों को बहुत निकटता से देखा भी है, जाना भी है, समझने की कोशिश भी की है। और मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए, बहुत धन्यवाद निशंक जी। और आपने तो ऐसा लगता है कि सारी बातें कह दी, कोई बात छूटी ही नहीं, बहुत संभावनाएं हैं योजना के इसमें, और कहीं इसे रुकना नहीं है, समीक्षा के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत बड़ी बहुत सीख देने वाली बात थी कि समीक्षा के चक्कर में नहीं पड़ना, और सकारात्मक सोच की ये कहानियां हैं, संघर्ष के बाद सफलता दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है इस लेखिका को, इस लेखिका की जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है, पहली पुस्तक प्रकाशित होते समय जिन जिन शंकाओं आशंकाओं से लेखक या लेखिका गुजरती है, उन सभी का निराकरण आपने अपने उद्बोधन में कर दिया। और अब समय है मुझे अपनी ही कविता की दो पंक्तियां, एक गजल का एक शेर मैं कहती हूँ कि मौसम की बेरुखी नयू हमको बताइए, आंसू की बात छोड़िए, हंसना सिखाइए, और मंजिल भी मिल ही जाएगी, घबराइए नहीं। जो बात आपने कही निशंक जी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, घबराइए नहीं, हिम्मत से एक पांव तो आगे बढ़ाइए,
तो हिम्मत से एक पांव आगे बढ़ाने का जज्बा तो योजना ने दिखाया है। अब इस तरह से इनकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। अब वो समय है जब हम परम आदरणीय पद्मश्री श्री सुरेंद्र शर्मा जी का उद्बोधन सुनना चाहेंगे। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि उनकी बात ही ऐसी होती है कि हर कोई सुनना चाहता है। लेकिन हस्तिमल हस्ती जी ने लिखा भी है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो इतने वक्त के बाद हम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका क्रम आया है, लेकिन इस क्रम में जो पड़ाव आए हैं वो भी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। उन महत्वपूर्ण पड़ावों से सीख लेते हुए हम आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े मान सम्मान के साथ। वे आए और अपना आशीर्वचन, शुभकामनाएं और उद्बोधन यहाँ पर दें आदरणीय सुरेंद्र शर्मा। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, विशेष रूप से ये श्री निशंक जी का और सारे जितने भी उपस्थित लोग हैं उनमें और मुझमें इतना ही फर्क है, वो सिद्ध है मैं प्रसिद्ध हूं। मुझे वो हासिल नहीं हुआ जो उनको हासिल है, लेकिन अध्यक्षता बना दिया और समय भी वो दिया जब खत्म होने के बाद का है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कितनी देर बोलूं, लेकिन कुछ शब्द जरूर कहूंगा मैं। योजना ने कविताएं भी लिखी और कहानियां भी लिखी। बड़ा कठिन काम होता है दोनों कामों को एक साथ करना, ये आगे पीछे करना, क्योंकि कहानी में बूंद को सागर तक फैलाना होता है और कविता में सागर को बूंद तक लाना, ये विपरीत कार्य है। लेकिन इसको कोई सिद्ध व्यक्ति ही, सिद्ध लेखक ही इसको कर सकता है, तो योजना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरा मानना है कि योजना कितना लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसा लिखा ये महत्वपूर्ण है। तो मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आवाज की दिक्कत हो रही है, कहीं और खराब ना हो जाए। अब आ रही है सर, अब आ रही है। अच्छे हाँ, तुम्हारा हर लेखन जो है एक आगे मील का पत्थर साबित हो। मजबूरी में मत लिखना, मजबूती से लिखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम ज्यादा लोग, हम सब लोग मजबूती से नहीं लिखते, लिखने बैठते हैं, कई तो ऐसा भी लिखते हैं कि पहले एंड लिख लेते हैं बाद में कहानी शुरू करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे तो ये सब दिक्कतें आजकल की जो लेखन में है उस पर मेरी कई पंक्तियां हैं कि जो लेखन हो गया कैसा हो गया कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझ में पसीने आते हैं। क्या बात है। तो लेखन जो आम आदमी की बात हो, आम आदमी तक पहुंचे, यानी साइकिल की लिखी हुई बात, साइकिल पर वाले की लिखी हुई कहानी, हवाई जहाज चलाने वाले के समझ में आ जाए, और जिस भाषा का तुमने उपयोग किया है मैं समझता हूँ इस देश में हिंदी वो है जो एक मजदूर बोलता है, हिंदी वो है जो एक किसान बोलता है, हिंदी वो नहीं है जो एक साहित्यकार बोलता है, क्योंकि उसमें वो बुद्धि का उपयोग करता है, आम आदमी उसमें हृदय का उपयोग करता है। आपकी सब कहानियों में हृदय का उपयोग किया गया है, इसलिए वो हृदय तक पहुंचेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय योजना और पवन अग्रवाल जी। इसी तरह नए नए लोगों को आप छापते रहे,
बस बहुत बहुत धन्यवाद। आसन का सदैव प्रभात रहेगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही ऐसी बात कही कि हृदय से लिखती रहो तो वो हृदय तक पहुंचेगी। बहुत बड़ी सीख है इसमें। और कविता में सागर को बूंद पे समेटना होता है और कहानी में बूंद को सागर का विस्तार देना होता है। ये दोनों बातें योजना आपने की है। देखिए कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं आज इस समारोह के माध्यम से। और लेखनी की विचारधारा, लेखक की विचारधारा हो सकती है लेकिन लेखनी की कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी है। देखिए अनुभव की बातें हैं जो आदरणीय परमेश्वर सुरेश शर्मा जी ने आज यहाँ पर आपको आशीर्वाद स्वरूप दी है। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज काले कर दिए, लेकिन ऐसा कभी मुझसे कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ पर तू क्यों पिघल रहा है, तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। एक लेखक अपने समाज की परिस्थितियों को दिल में बसाता है और जब उसकी तबाही देखता है तब उसी की छटपटाहट में अपनी कविताएं या अपनी कहानियां या अपने साहित्य की सारी विधाओं का सृजन करता है। तो इसी तरह की छटपटाहट, इसी तरह की सृजनशीलता आप योजना में, योजना के हृदय में बनी रहे, मैं भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये इनकी कहानियों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सिलसिला प्रारंभ हुआ था स्त्री लेखन का, बहुत पहले इतनी सारी स्त्री लेखिकाएं हुई हैं, उनमें एक नया नाम और बड़ी मजबूती से एक नया नाम जुड़ा है आज योजना शाह जैन का। तो मैं इन्हें अपनी ओर से बहुत 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 आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रभात प्रकाशन को भी, श्री पवन अग्रवाल जी, उर्वशी उर्वी जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसे नए नए और बहुत ही अपनी विचारधारा रखने वाले मजबूत कविता और कहानी के स्तंभों को, लेकिन नए लेखकों को बहुत ही प्रमोट किया है। तो आगे भी इसी तरह से वो नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, उनकी पुस्तकें प्रकाशित करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ श्री पवन अग्रवाल जी को। धन्यवाद कीर्ति जी। मुझे अब लगभग इस कार्यक्रम का समापन करना है और मैं समस्त प्रभात प्रकाशन परिवार की ओर से आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अग्रज डॉक्टर निशंक और दूसरे अग्रज हमारे, मेरे लिए तो आप सभी लोग अग्रज हैं, जितने भी विशेष अतिथि हैं, मैं आप सभी लोगों से बहुत छोटा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रभात प्रकाशन सदैव, जैसा डॉक्टर निशंक जी ने भी कहा, कि जो नवोदित लेखक हैं उनको छपने में, उनको प्रकाशित होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना। और हमारे पिता श्री पूज्य श्री श्याम सुंदर जी, उनका ये एक ध्येय था कि जितने नवोदित लेखक को हम छाप सकें कविता के रूप में, उपन्यास कहानी के रूप में, वो हमारा ध्येय रहना चाहिए। और ईश्वर की कृपा है, उनके आशीर्वाद से प्रभात प्रकाशन आज भी इस कोशिश में रहता है कि नवोदित लेखकों को हम प्रकाशित करें। समस्त प्रभात प्रकाशन बहुत आभारी है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी डॉक्टर निशंक जी ने, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी ने, राजशेखर जी ने, डॉक्टर हरेश नवल जी ने, फिलिंदा शर्मा जी ने, इंद्रमणि जी ने, सभी ने इतना समय निकाला। और कीर्ति जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से संचालित किया है कि जितने दर्शक हमारे जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनको कहीं कोई अवरोध नजर नहीं आया होगा। और मैं अंत में इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो मुख्य सूत्रधार है, मेरी पत्नी पूर्वशी अग्रवाल, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने एक दोहे से इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। पूर्वशी टू यू। तो मैं पंक्तियां कहना चाहती हूँ सबसे पहले आदरणीय मंच के लिए, निशंक जी के लिए, सुरेंद्र शर्मा जी के लिए, जो भी हमारे यहाँ बड़े हैं, कि खैर मकदम उनका मेरे मंच में, प्रभात प्रकाशन के मंच की बात कर रही हूँ, खैर मतलब उनका मेरे मंच में यूं किया पुरनूर मंजर हो गया, आमदे मखसूस उनके यूं हुए मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और योजना आपकी पुस्तक के लिए चार पंक्तियां मैं जरूर कहूंगी कि दिल के सोए हुए अरमान जुबां तक पहुंचे, मेरी आंखों के समंदर भी कहां तक पहुंचे, किस तरह खरीदेंगे आप
वफा का सौदा, आप बाजार की पहली दुकान तक पहुंचे, आप बाजार पहली दुकान तक पहुंचे। और मेरी प्यारी सखी कीर्ति दीदी के लिए पंक्तियां ना कहूं तो हो भी नहीं सकता। तो जब इश्क की इबादत है फिर और इबादत क्या, गैरों से मोहब्बत क्या, गैरों से बगावत क्या, इस प्यार के गुलशन में, इस वसल के आलम में जीने की तमन्ना क्या, मरने की जरूरत क्या। और तुम साहिब मसनद हो, तुम साहिब दावत हो, महफिल ये तुम्हारी है और भी की निजामत क्या, महफिल। धन्यवाद कीर्ति जी। मुझे अब लगभग इस कार्यक्रम का समापन करना है और मैं समस्त प्रभात प्रकाशन परिवार की ओर से आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अग्रज डॉक्टर निशंक और दूसरे अग्रज हमारे, मेरे लिए तो आप सभी लोग अग्रज हैं, जितने भी विशेष अतिथि हैं, मैं आप सभी लोगों से बहुत छोटा हूं, तो धन्यवाद कहना भी मुझे लगता है बहुत कम होगा, क्योंकि आप लोगों से, सभी से प्रभात प्रकाशन परिवार को जो इसमें प्रेम मान सम्मान मिला है वो हमें अभिभूत करता है। चाहे वो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हों, चाहे निशंक जी हों, हरीश भाई हों, कीर्ति दीदी हों, आप सब लोगों का इतना स्नेह और प्रेम मिलता है। और जब योजना जी ने बताया कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम की योजना बनाना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रभात प्रकाशन सदैव, जैसा डॉक्टर निशंक जी ने भी कहा कि जो नवोदित लेखक हैं उनको छपने में, उनको प्रकाशित होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमारे पिताश्री पूज्य श्री श्याम सुंदर जी, उनका ये एक ध्येय था कि जितने नवोदित लेखक को हम छाप सकें कविता के रूप में, उपन्यास कहानी के रूप में, वो हमारा ध्येय रहना चाहिए। और ईश्वर की कृपा है, उनके आशीर्वाद से प्रभात प्रकाशन आज भी इस कोशिश में रहता है कि नवोदित लेखकों को हम प्रकाशित करें। मैं बहुत आभारी हूँ, समस्त प्रभात प्रकाशन बहुत आभारी है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी डॉक्टर निशंक जी ने, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी ने, राजशेखर जी ने, डॉक्टर हरीश नवल जी ने, तेजेंद्र शर्मा जी ने, इंद्रमणि जी ने, सभी ने इतना समय निकाला। और कीर्ति जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से संचालित किया है कि जितने दर्शक हमारे जुड़े हैं इस कार्यक्रम से उनको कहीं कोई अवरोध नजर नहीं आया होगा। धन्यवाद। और मैं अंत में इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो मुख्य सूत्रधार है, मेरी पत्नी पूर्वशी अग्रवाल, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने एक दोहे से इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। तो मैं पंक्तियां कहना चाहती हूँ सबसे पहले आदरणीय मंच के लिए, निशंक जी के लिए, सुरेंद्र शर्मा जी के लिए, जो भी हमारे यहाँ बड़े हैं, कि खैर मकदम उनका मेरे मंच में, प्रभात प्रकाशन के मंच की बात कर रही हूँ, खैर मकदम उनका मेरे मंच ने यूं किया पुरनूर मंजर हो गया, आमदे मखसूस उनकी यूं हुई, मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और योजना आपकी पुस्तक के लिए चार पंक्तियां मैं जरूर कहूंगी कि दिल के सोए हुए अरमान जुबां तक पहुंचे, मेरी आंखों के समंदर भी कहां तक पहुंचे, किस तरह खरीदेंगे आप वफा का सौदा, आप बाजार की पहली दुकान तक पहुंचे, आप बाजार पहली दुकान तक पहुंचे। और मेरी प्यारी सखी कीर्ति दीदी के लिए पंक्तियां ना कहूं तो हो भी नहीं सकता। तो जब इश्क की इबादत है फिर और इबादत क्या, गैरों से मोहब्बत क्या, गैरों से बगावत क्या, इस प्यार के गुलशन में, इस वसल के आलम में जीने की तमन्ना क्या, मरने की जरूरत क्या। और तुम साहिब मसनद हो, तुम साहिब दावत हो, महफिल ये तुम्हारी है, उर्वी की निजाम क्या, महफिल। क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा संचालन के लिए आपको बहुत बधाई की। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद उर्वी जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।